Making. So, good morning, sir. Good morning, Ajit sir, Vandana ma'am, Vimlesh ma'am. Good morning. Ma'am, we have 9 states here from eastern and northern, eastern and western part of the country. That means mostly it is the Hindi speaking belt, but with a little bit of English because we have Goa and West Bengal and Odisha also, which slightly prefer to be in English. So we'll go bilingual for all of them. I welcome you and I hand over this session to three of you. Thank you. Thank you very much and very good morning to all of you. We are so happy to be in the midst of all of you. It's our, I must say it was our cherished will to have the fellowship with all of you. So it's really wonderful in this morning. And we expect that we all are going to enjoy this session because we are going to deal with the audio. And thank you very much, Monika ji. And thank you to all the participants. So I am Ajit. Namaskar. I am Vandana. Namaste, sir. Good morning. And I am Vimlesh. Namaste. Namaste, sir. Namaste. नमस्ते तो आप तो के साथ बहुत अच्छा लगा आज की इस सुबह और सर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर एंड मैम गुड मॉर्निंग तो कुछ ऐसा कहना है कि आप बोले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर सूरजकांत गौतम अच्छा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो आरंभ करते हैं आज के सेशन गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग तो आज के सेशन को आरंभ करते हैं और एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू और आज जैसा कि इस समय मोनिका जी ने बताया कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑडियो रिसोर्सेज हाउ टू क्रिएट द ऑडियो रिसोर्सेज और जहां पर क्रिएशन की बात आती है वहां क्रिएटिविटी की बात आती है ये दोनों बातें हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट इट मीन्स वी हैव टू थिंक इन अ टर्म दैट वी नीड टू बी क्रिएटिव अदरवाइज वी वॉन्ट बी एबल टू क्रिएट ऐसा है तो आगे चलते हैं तो आज के इस सेशन में आप सबों का स्वागत सबसे पहले चलते हैं आज के सबसे पहले स्लाइड में और इस समय देखेंगे कि आज और हम क्या क्या आपके लिए लेकर के आए हैं तो स्लाइड नंबर 1 आपका सबसे पहले और इसके साथ साथ फिर हम आगे चलेंगे जस्ट वेट By the time sir is sharing the screen, I will request all the participants to rename yourself. There is a participant named Acer, there is a participant named Administrator. So please rename yourself. We are not able to see your correct name and also put your state code. We have Archana Varshney ma'am without the state code, Bharati Sharma ma'am without the state code. So please do the needful so that we can see who is present and who is not. Sir, over to you. Okay. So thank you very much. और आज के सेशन में इस समय आगे चलते हैं लेकिन इससे पहले की सेशन में आगे चले आई रिमेंबर वन ऑफ अ वेरी वंडरफुल स्टोरी इट्स अ वंडरफुल स्टोरी एंड आई वुड लाइक टू बिगिन विद दैट एंड आई माइंडेड दैट इट इज दैट द कंटेंट ऑफ द स्टोरी इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑल ऑफ यू तो एक बड़ी अच्छी कहानी क्या कहूँगा एक बिल्कुल सच्ची घटना है उसकी ओर जाएंगे और स्क्रीन की ओर हम बाद में जाएंगे अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम लोग को फुल स्क्रीन में दे दें हाँ तो हम शुरू करते हैं और
जैसा कि टाइटल है क्रिएटिव ऑडियो रिसोर्सेज, तो जैसा मैंने कहा यदि हम बोलते हैं वी नीड टू क्रिएट तो वी नीड टू बी क्रिएटिव। तो जहाँ से मैंने आरंभ किया था वो ये था कि मुझे घटना याद आती है, वो एक बहुत ही सच्ची घटना है और ये घटना मैं आई बिलीव कि इट इज गोइंग टू इंस्पायर ऑल ऑफ अस। आपका 9/11 हम में से हर एक कोई को पता है, अमेरिका में जबकि ट्विन टावर पर जबकि अटैक हुआ था। और एक बार फिर से कहूंगा कि आप सभी शिक्षक लोग हैं, आप लोग गुरुजन हैं, आप लोगों को नमस्कार, आप लोग का अभिवादन। और बार बार इस बात को रिपीट करूंगा कि इस कहानी का जो संदर्भ है वो डायरेक्टली आपसे है, तो इस प्रकार से इस समय इसको सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो उस घटना को आप याद करते हैं कि जब ट्विन टावर पर जबकि अटैक हुए थे एंड दे यूज द एयरक्राफ्ट एज अ मिसाइल, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जब ये हमला हुआ तो बाद में जितने लोग बच गए उनमें से 1 पर्सन हु वाज रेस्क्यूड, एक आदमी जो कि बच गया था, ही गेव एन इंटरव्यू टू द बीबीसी। और जब उसने बीबीसी पर जब उसने इंटरव्यू दिया तो वहां पर बातचीत कर रहा था, बहुत सारे पत्रकार वहां पर जमा थे, बहुत सारे लोग, और उनसे ये कहा गया कि आप उस दिन का एक्सपीरियंस बताइए एग्जैक्टली व्हाट डिड यू फील। और तब उसने ये बताया कि जब हमला हुआ तो सारी बिल्डिंग में आग लग गई, मोटर थे, डेब्रिस थी, जो मलबा था वो गिर रहा था, सारी चीजें वहां पर हो रही थी, और हम घबरा करके एक रूम में जा करके बैठ गए। वहां चुपचाप हम बैठे हुए थे, अंधकार था, बिल्कुल खामोशी थी और हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। वी वर जस्ट वेटिंग और हमको ऐसा लगता था जैसे कि हो सकता है किसी भी टाइम। आप लोग यदि म्यूट कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ खोला है जी सर, कुड यू प्लीज रिपीट, वी कुडंट हियर जस्ट बिकॉज़ ऑफ नॉइज सर, प्लीज। ओके। हाँ तो एक घटना से आरंभ करना चाहता हूँ और आप सभी शिक्षक मित्रों को हम सबों का प्रणाम, हम सबों का हार्दिक अभिनंदन। और इस कहानी करने से पहले, हेलो सर, स्टार्ट करने से पहले हम होस्ट को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कृपया इधर जो माइक चालू है वो सब माइक बंद कीजिए। यस, आई वांट टू रिक्वेस्ट टू होस्ट, प्लीज म्यूट ऑल माइक्स। ओके, हाँ अभी बिल्कुल शांत है। और सुन रहे हैं आप लोग, ध्यान रखें कि अपने अपने माइक्रोफोन को आप लोग म्यूट करके रखें क्योंकि काफी बड़ी संख्या में है, तो अगर कोलाहल होगा तो सुनाई नहीं पड़ेगा। तो मैं घटना के बारे में चर्चा कर रहा था और जैसा कि आप लोगों को बताया इसका संबंध सीधा आप लोगों से है, आप लोगों से कैसे है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जिस दिन हमला हुआ था उस दिन बहुत लोग मारे गए थे, हमें से हर एक को पता है 9/11, वी ऑल नो अबाउट दिस इवेंट। तो बहुत लोग जो इस घटना में बच गए, जब वो बच गए तो काफी समय के बाद, लगभग 1.5 साल के बाद एक इंटरव्यू हुआ था, दिस इंटरव्यू वॉज ऑर्गेनाइज बाई बीबीसी। और इंटरव्यू में बहुत सारे लोग थे, पत्रकार थे, भीड़ थी वहां पर बहुत, और एक व्यक्ति जो बचाया गया था, द पर्सन हु वाज रेस्क्यूड, ही वाज बीइंग इंटरव्यूड। और जब उसका इंटरव्यू हो रहा था तो लोगों ने पूछा, सर आपका अनुभव क्या था, आपने उस समय क्या फील किया था। ऑफकोर्स मतलब तो अपनी घटना, अपने संस्मरणों को वो उनके साथ शेयर कर रहा था। तो उसने एक बात को बताया कि जब हमला हुआ, धमाका हुआ बुरी तरह से, हर जगह आग लग गई, डेब्रीज गिर रही थी, मलबा गिर रहा था और चीख पुकार की आवाजें थी, सारी चीजें वहां पर चल रही थी, बिल्कुल कोलाहल, मृत्यु का तांडव वहां पर दिखाई पड़ रहा था। लेकिन फिर यह हुआ कि हम किसी प्रकार से भाग करके एक कमरे में जाकर के घुस गए, एक कमरे में जाकर के हम बैठ गए और वहां पर हम खामोशी से बैठे रहे, हम करीब 10 लोग वहां पर थे, एंड वी वर ऑल वेरी साइलेंट एज इफ वी वर वेटिंग फॉर अवर डेथ। मृत्यु क्या पता कब आ जाए, क्या पता डेब्रीज कब गिर जाए, बड़ी घबराहट की सिचुएशन में हम वहां पर थे कि अचानक एक बात वहां पर हुई, 1 पर्सन अपीयर्ड आउट ऑफ द ब्लू, अचानक वो व्यक्ति वहां पर आया एंड ही वाज द फायर फाइटर। इस समय ये कहूंगा फायर फाइटर आप लोग जानते हैं, जो फायर ब्रिगेड के अंदर काम करते हैं, अग्निशमन कर्मी था वो, और उसके हाथ में एक हैलोजन लाइट थी, वेरी पावरफुल लाइट, और लाइट लेकर के वो उस रूम में आया और उसने कुछ नहीं बोला, उसने सिंपली बोला फॉलो मी, मेरा अनुकरण कीजिए, मेरा अनुसरण कीजिए, उसने कहा कि फॉलो मी। और उस व्यक्ति ने यह बताया, जब उसने कहा कि फॉलो मी, वी डिड नॉट से एनीथिंग, वी डिड नॉट हैव एनी डिबेट, वाई शुड वी फॉलो यू, नथिंग, कुछ वहां पर नहीं हुआ। और उसने ये कहा कि हमने फॉलो करना शुरू किया और थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि यानी चलते चलते एक अंधकार वाला पैसेज था, वहां से निकलते हुए बिल्कुल हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग के बाहर आ गए, हम एक मैदान में जाकर के बैठ गए, वहां हमने चैन की सांस ली क्योंकि हमने महसूस किया कि हम सुरक्षित हैं। मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूँ, इस बात को बोलने के पीछे कारण है मेरे प्रियो। आगे चल के उसने एक बात बताया कि व्हाई डिड वी फॉलो हिम, हमने क्यों उसको फॉलो किया, हमने क्यों उसको फॉलो किया।
आगे उसने ये बताया, हमने फॉलो बस इसलिए किया वीडियो बंद करिए आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर, आवाज आ रही है, पिक्चर नहीं आ रहा। यस सर, आवाज ही सुनिए, ऑडियो सेशन है, कोई बात नहीं, चलेगा, है ना? तो हाँ, तो इस समय आपको मैं ये बता रहा था, उसने ये कहा हमने क्यों फॉलो किया। हमने फॉलो उसको एक कारण से किया कि उसके पास लाइट थी जी। ही हैड लाइट एंड ही हैड ए वेरी पावरफुल लाइट। अगर कोई यूं ही बोलता फॉलो मी तो हम फॉलो नहीं करते, लेकिन क्योंकि उसके पास प्रकाश था, क्योंकि उसके पास लाइट थी, हमारे पास ये कॉन्फिडेंस हुआ कि हम उसको फॉलो कर सकते हैं। आप लोग शिक्षक लोग हैं और आप सबों से इस समय सीधे हम मुखातिब हैं, हमारी ऑडियो टीम। इस समय आपको हम ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में क्या आपकी कर्म भूमि के अंदर ऐसे हजारों बच्चे होंगे, ऐसे हजारों टूटे हुए परिवार होंगे, ऐसे हजारों ऐसे लोग होंगे जिनके लाइफ के अंदर उसी प्रकार का अंधेरा होगा, उसी प्रकार की डेब्रीज, डिप्रेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, फेलियर हो सकता है, बहुत चीजें वहां पर गिर रही होंगी। दे डू नॉट नो होम टू फॉलो। और उस समय, इस समय आप सिर्फ आपसे हम सीधा मुखातिब हैं, इस समय ये कहना चाहते हैं द क्रिएशन इज वेटिंग फॉर यू। जो सृष्टि है वो आपका इंतजार करती है, बच्चे आपका इंतजार करते हैं, टूटे हुए परिवार आप लोग का इंतजार करते हैं, क्योंकि आपके पास विद्या का प्रकाश है। और क्योंकि आपके पास विद्या का प्रकाश है, यदि आप कहेंगे फॉलो मी तो लोग आपको फॉलो करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि विद्या का आलोक हम कितना अधिक अपने अंदर रखते हैं। तो आगे इसी बात को लेकर के जाऊंगा कि उपनिषद की भी जो पहली प्रार्थना है यहीं से आरंभ होती है ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझको अंधकार की ओर ले चलिए। तो आपकी ये यात्रा, आपकी यात्रा आगे चल के बहुत सुखद हो। अब बहुत लोग जो कि इस समय बदहवासी के अंदर बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस समय घबराहट के अंदर बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे ड्रॉप आउट्स हैं, ड्रग एडिक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, और उस समय शायद वो इंतजार कर रहे हैं कोई टीचर आ जाए, बिहार का कोई आ जाए, गोवा का कोई आ जाए, अलग अलग स्टेट के आप लोग है। एंड आई मस्ट से द एंटायर वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू, यू नीड टू हैव दिस वर्ड फॉलो मी, बट बिफोर दैट यू नीड टू एश्योर दैट यू हैव द लाइट। तो विद्या एक ज्योति है, तो इसी ज्योति की यात्रा में आगे चलते हैं। तो आशा है कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी। अगर आप लोग को अच्छी लगी, आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अगर आपको इस बात से प्रेरणा मिलती है तो। और ये एक ऑडियो प्रोग्राम को प्रस्तुत करने की विधा थी, स्टोरी टेलिंग भी एक विधा है। अब आगे चलते हैं आज के स्लाइड में अब हम चलेंगे और आज का जो कि पहला स्लाइड है, हम वहां चलेंगे और फिर आगे हम बातचीत करेंगे, राइट? तो एक बार फिर से यहाँ पर जैसा दिखाई पड़ रहा है, प्रेजेंटेड बाय अजीत होरो, वंदना एंड विमलेश चौधरी। तो वी ऑल थ्री आर हियर, वी विल गो टू स्लाइड नंबर थ्री। और एक सवाल यहाँ पर आ रहा है, क्या रेडियो अलोकप्रिय हो गया? क्योंकि हमारा टॉपिक ही है क्रिएटिव ऑडियो। माइक को अपने मोनिका मैम, आप सबको म्यूट कर दीजिए ना, अगर कोई बाहर है नहीं सुन पा रहा है, सबको परेशानी हो रही है। मैम हम तो कर ही रहे हैं पर वो बार बार अनम्यूट करते हैं ना, वो हम कर रहे हैं। ओके, मैं अनम्यूट राइट्स हटा देता हूँ सबके। हाँ। अगर इन केस नीड होगी तो आप लोग हैंड रेज कर लीजिएगा। यस यस, ओके ओके सर, इट्स गुड, वो अच्छा रहे। थैंक यू, ओके सर, थैंक यू। हाँ, क्योंकि कोलाहल बहुत था तो यानी कोलाहल में फिर कैसे सुनेंगे। तो आज का सबसे पहला सवाल, क्योंकि आज का विषय ही है क्या रेडियो अलोकप्रिय है, तो आपको क्या लगता है क्या रेडियो अलोकप्रिय है? तो इसी का जवाब इस समय आगे चलेंगे, अगली स्लाइड में जबकि चलेंगे। इससे पहले मैं चाहूंगा आप हम लोग सब कोई बातचीत करें कि आपको क्या लगता है। जी, अब जैसे कि बात की कि क्या अलोकप्रिय है, तो जो भी चीज अगर आप कोई प्रिय चीज बोलेंगे तो वो अच्छा ही लगेगा। अभी जैसे कि बात हुआ, अभी जब अभी होरो सर अपनी कहानी सुना रहे थे तो वीडियो चला गया था, लेकिन वो इतनी सुंदर कहानी थी कि कहा कोई बात नहीं, ऑडियो तो आ रहा है, आप बोलिए। तो जो लोकप्रियता उसकी यही है कि आपको देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऐसा क्रिएट कर पाते हैं ऑडियो में तो वो आपको बांध के रखता है। हम दिखाई ना भी पड़े तो आवाज पहचान हो जाए, और अगर उसमें आप कोई अच्छा जो कि कर्ण प्रिय नहीं है वो चीज डालेंगे, जैसे कि अभी नॉइज आ रही थी, सबने कहा आप माइक बंद कर दें, तो अगर आप ऐसा नॉइजफुल, हेटेडफुल या ऐसा कुछ अगर कंटेंट डालते हैं तो वो कंटेंट अलोकप्रिय है।
तो हम अपनी विधा का, हम ऑडियो का प्रयोग कैसे करते हैं इस पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी लोकप्रियता में कोई संदेह नहीं है। ऑडियो मीडियम एक बहुत ही लोकप्रिय है, जिस समय हमने सबने यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, हमने सबने अपने ऑडियो म्यूट कर दिए क्योंकि हम किसी को सुनना चाहते हैं, वो इतना लोकप्रिय है कि हम चाहते ही नहीं कि हम बोले, हम सुनना अच्छी चीज सुनना चाहते हैं। तो लोकप्रियता रेडियो की यही आपको कंफर्म करती है कि कितना लोकप्रिय है ऑडियो मीडियम। एट द सेम टाइम कुछ जो सर्वे की फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में इस समय बातचीत करेंगे, विमलेश जी इस समय आपसे मुखातिब होंगी कि जो सर्वे की फाइंडिंग्स हैं वो क्या बोलती हैं, आप इस समय स्क्रीन को देख सकते हैं। जी, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं तो सर्वे के हिसाब से तो रेडियो बहुत ही लोकप्रिय है, और जैसा कि मैम ने भी अभी ऐड किया कि हम जितना अच्छा बोलेंगे, जितना अच्छा हम लुभावना और अच्छे वाक्य यूज करेंगे, लोग हमें सुनेंगे। और आप ये सर्वे की फाइंडिंग्स भी देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी अभी। हाँ, और यहाँ पर देखते हैं कि ये मध्य भारत यानी मिड इंडिया के सर्वे हैं, और ऑलमोस्ट जो चार राज्य हैं मतलब इसके सर्वे हैं, और इसमें करीब जहां तक मैंने जिस समय स्लाइड को लिया था इसके अंदर जो सैंपल है करीब करीब आपका 8 लाख से अधिक लोग हैं, और इनके सर्वे के अंदर हम देखते हैं कि वीकली सुनने वाले लोग 44% हैं, और जबकि डेली सुनने वाले लोग 50% है। हम सोच नहीं सकते हैं जबकि टीवी का इतना बोलबाला है, सारी बातें दिखाई पड़ती है, लेकिन सर्वे कुछ और बोलता है, ये कहानी कुछ और बोलती है ना, ये कहानी कुछ और बोलती है। तो ये सर्वे की रिपोर्ट को यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं इसके आधार पर कि रेडियो अलोकप्रिय नहीं है। और हाँ, इसके साथ एक बात और भी है कि ऐसा माना जाता है जब हम टीवी पे देख रहे हैं तो टीवी चल रहा है तो हम मानते हैं क्योंकि वो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी चलता है लेकिन हम सुन रहे होते हैं, हम कर कुछ और रहे होते हैं, हम टीवी में भी ऑडियो सुन रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, न्यूज चल रही है या कोई ऐसा है, हम देखने के लिए देखते हैं, वो रेशियो और कम है, अगर उसको भी हम जोड़े तो 55 से भी आगे जाता है। जी, और इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी, सबसे पहले जब हम कार में बैठते हैं तो हम सबसे पहले रेडियो ऑन करते हैं, तो पॉपुलैरिटी तो हमें इसी से पता चलती है कि हम कितना ज्यादा इंक्लाइंड है रेडियो की तरफ, कि हम सबसे पहली जो चीज ऑन करते हैं कार में बैठते वो रेडियो ही है। हाँ, महानगरों में भी अगर आप देखेंगे तो ये बात लोग बार बार कहते हैं कि 70% से अधिक लोग, मोर देन 70% पीपल, दे शेप देयर पब्लिक ओपिनियन बाय लिसनिंग टू द रेडियो। जो विज्ञापन है, जो सारी चीजें हैं, बल्कि मार्केट को कंट्रोल करने में जितना रोल इन दिनों टीवी का है, ग्रामीण एरिया में यदि आप देखें या तो महानगरों में खासतौर से यदि आप देखें, मैं कल ही सुन रहा था, और जब मैं कल सुन रहा था तो एफएम के अंदर ये पता चला कि इवन जो मार्केट है उसको कंट्रोल करने में रेडियो आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। तो इसकी लोकप्रियता को हम इस समय देख सकते हैं। तो अगर ये ख्याल है कि रेडियो रिसोर्सेज पर बात हो रही है, पता नहीं क्या होगा, तो इस समय आपको हम ये बता दें कि फ्यूचर बिलोंग्स टू यू, यानी भविष्य आपका। इस समय आगे चलते हैं कुछ और बातों की ओर, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द रेडियो। के बारे में समय हम बातचीत करेंगे। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ ज्ञान लेने के लिए, कुछ करने के लिए आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर ऑडियो में आप जैसे शिक्षार्थी हैं और इस ऑडियो मीडियम का प्रयोग करते तो मोस्ट इकोनॉमिक है, कोई बच्चा ट्रांजिस्टर से लेके या किसी के पास मोबाइल है, एक ही फोन एक ही है फैमिली में, तो भी वो उससे आप यूज कर सकते हैं मोबाइल पर भी। तो ऑडियो मीडियम बहुत ही इकोनॉमिक है, बहुत ही सस्ता है, और इसके आगे मैं ऐड करूंगी कि इजीली मूवेबल है, आप जहां चाहें वहां अपने साथ ले जा सकते हैं, चाहे बात कीजिए आप रेडियो सेट की बात कर लीजिए या मोबाइल। एक्सक्यूज मी, सॉरी टू बॉदर मैम, ये स्लाइड्स नहीं मूव कर रही हैं, ये फर्स्ट स्लाइड पे ही अटकी हुई है प्रेजेंटेशन अभी। ये ऑडिबल मैम? हाँ, ऑडिबल है, केवल स्लाइड मूव नहीं कर रही है, फर्स्ट स्लाइड पे है अभी तक। मुझे लग रहा है आपने स्लाइड शेयर की होगी, उसके बाद स्लाइड शो किया होगा तो इसलिए वो नजर नहीं आ रहा है, आप एक बार रीशेयर कर दीजिए कंप्लीट स्क्रीन को। अभी ठीक है? हेलो, अभी
अभी आपने स्लाइड शो किया है क्या पर सर अभी भी स्लाइड्स बेसिक स्लाइड्स दिख रही हैं प्रेजेंट स्लाइड शो नहीं दिख रहा है आप जब शेयर स्क्रीन का बटन प्रेस करते हैं ना सर तो उसके ऊपर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आता है वो वाला कंप्लीट स्क्रीन शेयर कीजिए तब हो पाएगा ये आया भी सर एक बार स्लाइड शो करिए तो मैं बता पाऊंगी जी अब आ गया ओके आ गया जी जी अब आ रहा है ओके तो आगे चलते हैं और क्योंकि बीच में स्लाइड नहीं दिखाई पड़ रही थी तो हम फिर से एक बार आरंभ करते हैं शुरू में ऐसा सोचा गया आफ्टर द अराइवल ऑफ द टेलीविजन दैट रेडियो हैज लॉस्ट इट्स स्ट्रेंथ इसका जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल चला गया लेकिन ऐसा नहीं है अब हम आज हम बातचीत करेंगे अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द रेडियो तो स्लाइड आपके सामने है और क्या क्या स्ट्रेंथ इसकी हो सकती है इसके बारे में इस समय हम लोग बातचीत करेंगे वन्ना जी के साथ आरम्भ करते हैं जी हाँ हम ये बताना चाहते हैं कि रेडियो माध्यम बहुत ही एक सस्ता माध्यम है और हर कोई इसको अपनी शिक्षा के लिए इसका प्रयोग कर सकता है इसको यूज कर सकता है और जैसे शिक्षार्थी इसको लेकर अपने कार्यक्रम एजुकेशनल बना सकते हैं जैसे कि रेडियो कोई भी ले सकता है मोबाइल फोन अगर एक एक भी है फैमिली में तो वो कोई बच्चा उसको यूज कर सकता है अपने एजुकेशनल लर्निंग के लिए तो सबसे सस्ता है इतना मोर इकोनॉमिक बहुत ही सस्ता है और इससे अगर आगे बात करें हम इकोनॉमिक के साथ अगर आगे ऐड करें रेडियो में तो ये इजीली मूवेबल है आप इसको अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं मोबाइल फोन हुआ रेडियो सेट हुआ आप इसको अपने साथ जहां आप चाहते हैं वहां लेके जा सकते हैं अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप अपने साथ ले जा सकते हैं अगर आपको प्लान है कि कहीं पिकनिक के लिए जाना है तो आप इजीली उसको कैरी कर सकते हैं तो आपके साथ इन्फॉर्मेशन के साथ आप कुछ भी कहीं भी ग्रास्प कर सकते हैं रेडियो से हाँ रूरल एरिया के लिए है कि आपने ये भी देखा होगा कि जो किसान है वो हल चला रहा है लेकिन रेडियो भी सुन एट द सेम टाइम ये पॉसिबल है तो इजीली मूवेबल और इसके बाद और कुछ बातों को हम देखते हैं कि मल्टीटास्किंग रेडियो के साथ है जी उसके साथ हम ये कर सकते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ आपको एंटरटेनिंग भी हो सकता है कि साथ साथ में और वैरायटी ऑफ कंटेंट आप ले सकते हैं और अगर आप किचन में हैं खाना बना रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपको कोई नोवेल पढ़ना है और आप बोर हो रहे हैं साथ साथ आप गाने सुनना चाहते हैं आप एंटरटेन करना चाहते हैं अपने आप को तो ये मल्टीटास्किंग आपको रेडियो अलाउ करता है आप इजीली मतलब कोई भी काम करते टाइम पढ़ते टाइम किचन में कुछ काम कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपको आप बोर हो रहे हैं आपको एंटरटेन करने के लिए रेडियो एक अच्छा मीडियम है और इसीलिए क्या है ये प्रौढ़ शिक्षा में ये बहुत काम आता है क्योंकि ये मल्टीटास्किंग है जो लोग हैं जो नहीं पढ़ पाए वो इस माध्यम से अब भी अपना जारी रख सकते हैं और जिनके पास समय की कमी है उनको लगता है कि वो बाहर नहीं जा सकते हैं तो मल्टीटास्किंग है ये रेडियो तो वो आराम से इससे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं हाँ इसका मतलब मूल रूप से शायद ये हुआ कि रेडियो सुनते सुनते हम बहुत सा काम कर सकते हैं जो किचन का काम है वो भी हो जाएगा सफाई भी हो जाएगी गार्डनिंग भी कर लेंगे आवाज सुनाई पड़ रही है तो सिर्फ मतलब साउंड हमारे कान तक आना चाहिए तो इट अलाउज मल्टीटास्किंग जबकि यदि हम टेलीविजन को देखें तो ये आपको कैप्टिवेट कर देता है एक जगह हमको बैठ के देखना है या हल्का फुल्का घूम के देख सकते हैं ज्यादा घूमना भी मुश्किल है क्योंकि एंगल बदलेगा है ना तो एक जगह बैठ के देखना पड़ेगा लेकिन ये अलाउ करता है कि हम आप पूरे घर में घूम लीजिए आराम से रेडियो सुन लीजिए तो इट अलाउज यू द मल्टीटास्किंग आगे एक बहुत बड़ा इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो है वाइडर रीच इन टफ ज्योग्राफिकल कंडीशन अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर भी आपने एक बात को देखा होगा ये बहुत इस समय जोर के साथ बहुत ज्यादा इस बात की सिफारिश करती है कि रेडियो का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो खास करके जो कि भौगोलिक रूप से बहुत ही विषम जो कि क्षेत्र हैं जो कि पहाड़ी एरिया हैं जहां पर शायद बहुत बार की सिग्नल नहीं पहुंचते इजिली तो जो टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग है उसके बारे में बहुत ज्यादा जोर इस बात दिया गया है तो टफ ज्योग्राफिकल सर्कमस्टेंसेस के अंदर जहां पर कि शायद टेलीविजन कई बार नहीं भी पहुंचता है बहुत सारे ऐसे इलाके हैं लेकिन रेडियो की वेव्स वहां पर पहुंच जाती है यानी किसी ने बड़ा अच्छा बोला है बोलते बोलते मुझको याद आ गया और उसने ये बोला है कि आफ्टर द सन रेज सूरज की किरणों के बाद यदि कोई और ऐसी चीज है जो पूरे अर्थ को कवर करती है तो वो रेडियो की तरंगे तो कठिन भौगोलिक या विषम परिस्थितियों में भी रेडियो बहुत इफेक्टिव होता है
एक बात और यहाँ पर देखते हैं, मोर इफेक्टिव इन द नेचुरल कैलामिटीज, और इसको लेकर के शायद एक घटना मुझको याद आ गई। जी हाँ, वाली घटना मुझको याद आती है श्रीलंका में, आपको याद होगा जब बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, इवन आंध्रा के अंदर। अभी कुछ समय हो गया, करीब 12-15 साल से अधिक हो गए, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन उस समय यह था कि जितने टावर थे सारे गिर गए थे और टेलीविजन में देखना मुश्किल था, कुछ देख नहीं सकते थे, ओनली रेडियो था। और वहां के एक सीन को मैं, एक सीन के बारे में किसी अखबार के अंदर मैं पढ़ रहा था, लोग घबराए हुए कहीं पर बैठे हुए थे, हमारे डियर वंस कहाँ हैं, कौन कहाँ गया, इस साइक्लोन में कहाँ पर खो गया। तो बाद में रेडियो ने एक शुभ समाचार दिया, रेडियो ने एक बहुत अच्छा न्यूज शेयर किया कि इस समय इस नाम के आदमी से हम बातचीत कर रहे हैं, अगर आप चिंतित हैं कि आपके प्रिय लोग कहाँ हैं तो आपको हम बताना चाहते हैं वो रेस्क्यूड हो गए हैं और वो इस समय हमारे कैंप में है। तो नेचुरल कैलामिटीज के अंदर भी ये बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। और इसमें मैं इनके साथ एक बात जोड़ना चाहूंगी कि जैसे नेचुरल कैलामिटीज की बात की है तो उसी में अभी जो कोरोना पीरियड हुआ था, नेचुरल कैलामिटी एक इसको कह सकते हैं डिजास्टर, तो उसमें है कि उसमें एक ऑडियो के माध्यम से ही 24/7 पढ़ाई जारी रही, लोगों का ऑडियो माध्यम से उसका शिक्षा जारी रही, जो कि एक बहुत बड़ी इसका रेडियो का एक यूज समझ में आया। और उसके बाद जब ओपन भी हुआ तो बच्चे सीधे एग्जाम में जा पाए। तो आप शिक्षार्थियों ने और सब जो एजेंसीज थी जो ऑडियो से कार्यक्रम करते हैं, जैसे एनसीईआरटी थी, तो ये एजुकेशनल जो एजुकेशन इंटरप्ट नहीं हुई उस काल में भी जब सब दुनिया बंद थी। हाँ, तो अब आगे चलते हैं इसी के साथ साथ, और अगली स्लाइड यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। टाइप्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग में यहाँ पर काफी कुछ बोलने का यानी अवसर रहेगा हम लोग के पास। तो जो टाइप्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है, सबसे पहली बात आप देख रहे हैं, अगर स्लाइड को अगर आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर जो की तस्वीर है वो एक एंटीना की है ना, रेडियो एंटीना है, और बहुत बड़ा टावर है, ये मोबाइल टावर नहीं है, ये बेसिकली अगर आप किसी आकाशवाणी केंद्रों के आसपास से निकलेंगे तो इस तरह के टावर आपको दिखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग। तो सीआईटी एनसीईआरटी के बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं। हाँ, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो एनसीईआरटी है जो टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं हम, EIR के हमारे पास 132 स्टेशन है, और अगर हम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की बात करें तो ये 256 है, और ज्ञानवाणी FM चैनल 11 है, तो अराउंड 400 चैनल्स हैं जिनके साथ हम अपने रेडियो प्रोग्राम शेयर कर रहे हैं थ्रू टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग। हाँ जी, मतलब टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, लेकिन और एक ब्रॉडकास्टिंग अब आ गई। हम लोग के समय में तो ये था कि टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग ही चलती थी, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, है ना, रेडियो सिलोन या अलग अलग रेडियो, वो अलग बात है, लेकिन अब कुछ और आ गया, अब आ गया इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग पे, इसके बारे में और सुनते हैं। तो इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग होने से ये है कि वो लाइव चलता है और ग्लोबली चलता है, तो जो हमारे साथी जो बच्चे जो इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं इस ब्रॉडकास्ट में, तो हम इंटरनेट रेडियो से ब्रॉडकास्ट करते हैं, और वो सेम प्रोग्राम जो जिस तरह से हम कर सकते हैं लाइव, जिसे हम जिनको हम ब्रॉडकास्ट करते हैं उनको लाइव के साथ साथ स्ट्रीमिंग भी हो जाती है, तो हम आई रेडियो से ग्लोबली भी हो गए हैं। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी, हम एक कमरे से पूरे ग्लोबली पहुंच सकते हैं, पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं थ्रू इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा आजकल का मीडियम हो गया है कि इंटरनेट के थ्रू आप एक कमरे में बैठ के कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं। हाँ, यू कैन शेयर योर मैसेज विद द वर्ल्ड सिटिंग जस्ट इन वन रूम। आप ये काम कर सकते हैं। तो इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग आजकल आ गई, अच्छा ऐप बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग भी है, लेकिन आज का टॉपिक वो नहीं है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब कुछ और नए नए विषयों की ओर चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, अगले स्लाइड में चलते हैं। और यहाँ पर एक बात आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इट इज अ मस्ट आस्क क्वेश्चन, इस सवाल को पूछना ही चाहिए, और वो सवाल ये कि ब्रॉडकास्टिंग क्या है, What is broadcasting? हम तभी से broadcasting बोल रहे हैं, but what do we really mean by broadcasting? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसके बारे में हम इस समय बातचीत करते हैं। भाई, broadcasting अपने आप में ही क्या कहता है कि एक broad area और जिसमें हम कुछ cast करते हैं, कुछ send करते हैं, this is broadcasting। तो हाँ, तो ये broadcasting है जी, और अच्छा हुआ तो हम लोग वीडियो में भी आ गए तो इस समय टेलीकास्टिंग भी हो गया। हाँ, अभी आपका ब्रॉड टेलीकास्टिंग हो रहा है, तो अभी इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं, अभी वी आर गोइंग टू एंजॉय आई बिलीव। तो जहां पर हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, तो अंग्रेजी में वैसे संधि विच्छेद नहीं होता है ना, संधि विच्छेद नहीं होता, लेकिन जबरदस्ती करते हैं, आइए और करके देखते हैं। तो ब्रॉड प्लस कास्टिंग ऐसा बोल सकते हैं, ब्रॉड मतलब बहुत चौड़ा, बहुत ही विस्तृत या बहुत ही फैला हुआ, है ना, और कास्टिंग मतलब डालना।
जैसे बोलते हैं कि फिशरमैन इज कास्टिंग द नेट, मतलब वो जाल डाल रहा है। तो जब बहुत ब्रॉड एरिया के अंदर, जब बहुत विशाल भूभाग के अंदर, है ना, जब हम अपना रेडियो प्रसारण करते हैं तो उसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मान लिया कि मैं अपने समय को याद करता हूँ कि श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है ना, श्रीलंका, और वहां से एक बहुत ही प्रसिद्ध एक कार्यक्रम आता था विनाका गीतमाला। तो मुझको याद है कि वो सिलोन से बोल रहे हैं, वच्ची कोलंबो से बोल रहे हैं जो कि आपका श्रीलंका है, और सुनने वाला असम में सुन रहा है, सुनने वाला हिमाचल के अंदर सुन रहा है, और वहां से वो बातचीत कर रहे हैं बड़े आराम के साथ। मतलब बहुत बड़ा भूभाग है, जबकि आपका कोलंबो से लेकर के असम तक की दूरी बहुत है, तो बहुत विस्तृत जो एरिया है शॉर्ट वेव के द्वारा, उसको जबकि हम कवर करते हैं, दिस इज कॉल्ड द ब्रॉडकास्टिंग। और उसके बोलने का कुछ ऐसा तरीका था। तो भाई और बहनों, इस समय आज के इस नशरियात में आप सबों का खैर मकदम है, आप सबों का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। आज हमारे प्रोग्राम के अंदर तीन गीत, खास तौर से आज के पहले पादान पर जो कि पहला गाना है वो गाना ये है, आइए सुनते हैं ये गीत। और इसी प्रकार से गीतों की जो कड़ी थी वो चलती रहती थी, एंड वी ऑल यूज टू एंजॉय दैट प्रोग्राम, तो दैट इज कॉल्ड द ब्रॉडकास्टिंग। यदि बहुत दूर से हम बोलें हेलो दिस इज बीबीसी लंदन, दिस इज द वॉइस फ्रॉम लंदन, वी आर स्पीकिंग फ्रॉम लंदन एंड वी आर टॉकिंग टू यू राइट नाउ अबाउट द वर्ल्ड न्यूज, अगर हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन इफ someone is talking from London and you, if you are listening to it in Delhi, yes, or maybe in Assam or maybe any part of the India or any part of the world, तो ये broadcasting है। तो जहाँ broad होगा, जहाँ पर बहुत विस्तृत भूभाग को हम cover करेंगे, वो broadcasting होती है। आगे चलते हैं, इसी का एक term और है और इसके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे, that is called the यहाँ पर पूरा अर्थ आप लोग को मिल जाएगा। इसके बाद के स्लाइड में चलते हैं जी, और यहाँ पर देखते हैं इट इज कॉल्ड द नैरो कास्टिंग। व्हाट इज नैरो कास्टिंग विमलेश, व्हाट डू यू थिंक? जैसे कि मैम ने बताया, ब्रॉड का मतलब होता है बड़ा, किसी बड़े भूभाग पे अपना मैग्नेटिक वेव्स जब हम थ्रो करते हैं दैट इज ब्रॉडकास्टिंग। अगर नैरो की बात करें तो दैट छोटा एक एरिया है, छोटे भूभाग पे मान सकते हैं 10 से 12 किलोमीटर तक अगर जो रेंज हो दैट इज नैरो कास्टिंग। तो नैरो कास्टिंग में हम क्या, जो हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं वो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को हम नैरो कास्टिंग्स में ले सकते हैं। अगर हम एफएम चैनल्स की बात करें तो वो भी नैरो कास्टिंग में आते हैं। तो जो इसकी रेंज है वो हम अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 किलोमीटर तक मान सकते हैं। और नैरो कास्टिंग का एक बहुत जो फायदा है वो है कि हम अपनी कम्युनिटी से एक जो स्पेसिफिक हमारा टारगेट ऑडियंस है हम उस तक आराम से इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी रेंज यहाँ तक है और हमारे टारगेट ऑडियंस को, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनको ये समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। ये उनकी पानी की समस्या है मान लीजिए, या बिजली की समस्या, कोई भी समस्या उनको हो सकती है, तो हम उनके लोकल समस्या को आराम से उन तक पहुंचा सकते हैं, उनका सॉल्यूशन भी दे सकते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। तो ये हमारी नैरो कास्टिंग है, एक कम्युनिटी के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के लिए रीच है नैरो कास्टिंग। और इसमें जी की बात मैं आगे जोड़ती हूँ, तो जैसे हम नैरो कास्ट में जब हम एजुकेशनल प्रोग्राम देते हैं तो उसकी अगर रेंज है, तो क्योंकि वो एरिया जैसे बताया 10 से 12 किलोमीटर है, तो अगर उसको आगे भी देना है तो फिर रिले कास्ट करते हैं, फिर वो लोग तो वो नेक्स्ट एरिया में चले जाता है, तो वो रहता वो नैरो कास्ट ही है क्योंकि छोटा छोटा रेंज में हम उसको रिले करते जा रहे हैं। तो जैसे अभी विमले जी ने बताया था आपको कि 255 हमारे 256 सामुदायिक रेडियो हैं, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं, तो उनके द्वारा भी हम जो नैरो कास्ट करते हैं तो वो प्रोग्राम आगे रिले भी कर सकते हैं। ज्ञानवाणी से जैसे हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, वहाँ पे रिले भी करते हैं वो, तो वो एरिया बढ़ता चला जाता है इस तरह से। हाँ, अभी जैसा कि बताया कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से हम बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि एक सीमित जो कि आपका एरिया है वहाँ पर एक सीमित प्रकार की कम्युनिटी रहती है, उनकी एक सीमित प्रॉब्लम है। मुझको याद आता है, अगर मान लिया मैं बोलूँ ये आकाशवाणी पटना रांची भागलपुर है, तो अब रांची की प्रॉब्लम अलग है, पटना की अलग है, भागलपुर की अलग है, तो कहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? तो गीत सुनना ही एकमात्र काम नहीं, क्या गीत सुनना मात्र एक काम वहां पर रह जाता है, गीत सुन ले, ड्रामा सुन ले। लेकिन जब हम नैरो कास्ट करते हैं तो बड़ी अच्छी बात इस समय बोली इन्होंने कि हम उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सीधा सीधा डील कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, तो ये दो डेफिनेशन थी, ब्रॉडकास्ट और नैरो कास्ट। आगे की स्लाइड में चलते हैं, और आगे इसके बाद की स्लाइड में, और अब हम आते हैं खास जो कि आज के सेशन का जो कि मेन आज का जो कि थीम होगा वो ये है, हाउ टू क्रिएट द ऑडियो रिसोर्सेज। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट द रेडियो रिसोर्सेज थ्रू डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ द रेडियो प्रोग्राम। आज हम ये बातचीत यहाँ पर करेंगे, तो रेडियो कार्यक्रमों के प्रारूप। तो इस समय इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, तो एक छोटा सा अगर हम इस समय ड्रामा कर लें तो अच्छा है।
हल्का सा ड्रामा यदि आप लोग हम लोग को इस समय देख रहे हैं, तो मैं इस समय इन दोनों के साथ बातचीत करूंगा, मैं इन दोनों के साथ बातचीत करूंगा और इस समय ये कुछ बताएंगे मुझको। तो आप लोग कार्यक्रम बनाते हैं है ना, रेडियो कार्यक्रम, तो क्या कार्यक्रम बनाते हैं जी? हम रेडियो कार्यक्रम बनाते हैं जी, हम उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। नहीं, रेडियो प्रोग्राम तो हम जानते हैं जी, लेकिन रेडियो प्रोग्राम में क्या बनाते हैं जी? वो कार्यक्रम होता है उसको हम बनाते हैं। नहीं, आप घूम फिर के वही बात कर रही है, गोलमोल बात कर रही है, तो रेडियो प्रोग्राम यानी क्या बनाते हैं? हम ऐसा करते हैं, हम माइक पे रिकॉर्ड करते हैं और उसको फिर हम उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, आपके पास कोई विचार है? आप कुछ बताएंगे, आप भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? सर, मैं ना ऑडियो प्रोग्राम बनाते हैं सर। हाँ हाँ, वो मैं जानता हूँ, आप ऑडियो प्रोग्राम बनाती है, लेकिन जिनको हम सुन सकते हैं ऑडियो प्रोग्राम। हाँ, ऑडियो होगा तो सुन सकते हैं आपको। रेडियो प्रोग्राम बनाते हैं सर। रेडियो प्रोग्राम बनाते हैं, तो ऑडियो प्रोग्राम और रेडियो प्रोग्राम, ये दोनों से जब बातचीत हुई तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? आप बनाती हैं ऑडियो प्रोग्राम, आप बनाती हैं रेडियो प्रोग्राम, है ना? तो अब यदि इस प्रकार से बात करेंगे तो ये बात करने का, ये बेसिकली बात करने का वैज्ञानिक तरीका नहीं है ना। तो आज हम खास तौर से इस समय बातचीत करेंगे, रेडियो प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या कार्यक्रम बनाते हैं ना। तो इस समय देखते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं। इस समय बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर हम आ रहे हैं, और अगली स्लाइड में जबकि इस समय चलेंगे, देखेंगे इस समय अगली स्लाइड को। हाँ, गुड, आप लोग बोल रहे हैं वेरी इंटरेक्टिव, गुड। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोग का भी मनोबल बढ़ता है बातचीत करने का, तो और अच्छी बात करेंगे हम लोग। तो अभी इस बात का पता चला कि ये लोग सिर्फ, आप क्या बनाती है? रेडियो प्रोग्राम। और आप? ऑडियो प्रोग्राम। अच्छा अच्छा, लेकिन अगर इंटरनेशनली अगर हम जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय रूप से इसका एक व्याकरण है, रेडियो कार्यक्रमों का एक व्याकरण है, मतलब देयर इज द इंटरनेशनल ग्रामर। तो सबसे पहला जो फॉर्मेट आता है उस फॉर्मेट में इस समय आएंगे, और सबसे पहले फॉर्मेट में आएंगे इस समय, लगातार इस समय चलते जाते हैं, और राइट। तो सबसे पहला जो कि फॉर्मेट है वो क्या है? रेडियो डॉक्यूमेंट्री, है ना, रेडियो डॉक्यूमेंट्री। अगर इन्होंने बोला होता हम रेडियो कार्यक्रम बनाते हैं उसमें हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो समझ में आती है बात, रेडियो प्रोग्राम बनाते हैं क्या हुआ, है ना जी। तो वन ऑफ द टाइप ऑफ द प्रोग्राम इज डॉक्यूमेंट्री। हाँ, डॉक्यूमेंट्री, तो ये एक फॉर्मेट है, और यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्री का क्या मतलब हुआ। ओके, डॉक्यूमेंट्री का क्या अर्थ हुआ, इसी स्लाइड में थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो यहाँ पर इस समय हम देख सकते हैं। अब हम बातचीत करेंगे आपस में, व्हाट डू यू मीन बाय द रेडियो डॉक्यूमेंट्री? यस, डॉक्यूमेंट्री जैसे अपने आप में सजेस्ट करती है कि जो डॉक्यूमेंटेड हो, एवरीथिंग व्हिच इज डॉक्यूमेंटेड कम्स इनटू डॉक्यूमेंट्री। जैसे कि हमने कहीं से हम कोई फैक्ट्स लेकर आते हैं, डॉक्यूमेंट्री बेस्ड ऑन फैक्ट्स आल्सो, ओनली फैक्ट्स, ओनली फैक्ट। तो अगर हम बात करें न्यूज़पेपर की, तो प्रिंट मटेरियल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो वहां से हम डॉक्यूमेंट्री के लिए फैक्ट्स ले सकते हैं, फैक्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं। कहीं आर्काइव से हम फैक्ट्स ले सकते हैं, किसी वीडियो का हम रिसोर्सेज, जो ऑथेंटिक वीडियो हो, और उससे भी हम अपना सोर्सेज ले सकते हैं। और जैसे कि जो पूरे आर्काइवल मटेरियल है, कोई हमारे पास पिक्चर्स हैं जिसकी हम, जो रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं, या किसी के पुराने वॉइसेस हैं जो रिकॉर्डेड हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। तो वो एवरीथिंग इज फैक्चुअल, फैक्ट है वो, तो उनको जब हम यूज करके कोई ऑडियो कार्यक्रम बनाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्री में आता है। और इसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ टैबलेट्स भी यूज कर सकते हैं, पुराने इंस्क्रिप्शंस भी यूज कर सकते हैं, कुछ लेटर्स अगर हैं, किसी की डायरी है या फोटोज है, ये सब हम अपने डॉक्यूमेंट्री के लिए एड ऑन में कर सकते हैं, फैक्ट में हम उनको शामिल कर सकते हैं। हाँ, छठवीं क्लास की अगर इतिहास की पुस्तक को देखेंगे तो वहां पर ये बात है कि कैसे हम जानते हैं कि हमारा भूतकाल क्या था जी, भूतकाल के बारे में हम कैसे जानते हैं, तो हम इन बातों के द्वारा जानते हैं, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं या टैबलेट्स हैं या तो इंस्क्रिप्शन यानी पत्थरों पर जो शिलालेख होते हैं ना, हम इसको शिलालेख भी बोल सकते हैं। तो इन बातों को आधार बनाकर यदि कोई रेडियो कार्यक्रम बनाया जाए तो वो डॉक्यूमेंट्री कहलाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट यानी सिर्फ कागज नहीं होता, किसी भी प्रकार का लिखित प्रारूप जो कि हमारे पास उपलब्ध है, चाहे जहां भी लिखा जाए। पहले लोग भोजपत्र पर लिखते थे जी, भोज में लिखते थे, पत्थरों पर हाँ कार्विंग होती थी, हाँ वो भी हमारे डॉक्यूमेंट है वो, हाँ हम उनको इंस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। तो एनीथिंग विच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, और जो फैक्ट है वो आपका किसी भी आपका लिखित मतलब माध्यम में हो सकते हैं, तो उसको हम डॉक्यूमेंट्री कहेंगे। तो एक छोटा सा और आप लोग के लिए इस समय, एक छोटी सी प्रस्तुति इस समय, एक छोटा सा ड्रामा इस समय। तो इस समय आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्री को हम किस प्रकार से बातचीत करते हैं। इस समय आप इमेजिन करें, इस समय ऐसा मान लें कि वंदना जी, अच्छा मान क्या लें, अभी तो हैं रेडियो कार्यक्रम, रेडियो डिपार्टमेंट की प्रभारी, तो अभी इमेजिन करें कि अभी इन्होंने मुझको फोन पर बुलाया है और मेरी यह बातचीत हो रही है जी।
तो मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ जी, मैं एक तो गीत गा रहा हूँ, मैं बड़े अच्छे मूड में बैठा हूँ इस समय, है ना, आज काम नहीं है, है ना, आज बड़े आराम से बैठे हैं, कल तक तो बहुत काम किया, थोड़ा सा आराम कर देते हैं, इतना काम आता है यहाँ पर, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हेलो, हाँ मैडम, हाँ जी जी, हेलो, हाँ वंदा जी जी, हाँ मैं कह रही थी कि एक बहुत ही अर्जेंट एक टॉपिक आया है, उसके ऊपर आपको एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। क्या बोला आपने, डॉक्यूमेंट्री बनानी? डॉक्यूमेंट्री बनानी, तो आप ऐसा करें कि आप ना कल बना दें। हैं? बहुत अर्जेंट मिनिस्ट्री से। आई एम सॉरी कि मैंने फोन पर इस प्रकार से रिएक्ट किया मैडम, लेकिन आपने बोला डॉक्यूमेंट्री, तो इज इट दैट इजी, मतलब क्या मैं आपके रूम में आ सकता हूँ थोड़ी देर के बातचीत करने के लिए? ओके ओके, मैं आता हूँ। अभिमेश जी को भी लेके आए? अच्छा अच्छा, अभिमेश जी को भी लेकर के आते हैं, तो हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं, अब हम तो दोनों भी इनसे मुखातिब है ना, तो आपने चाय तो पी ली थी यार, आज ना बड़े अच्छे मूड में था मैं, और ये था कि चलो आज तो आराम करेंगे, लेकिन ये फोन जब आया ना मैम, मुझको लगा जैसे कि मतलब बम गिरा है ना, मतलब मुझको ऐसा लगा, क्या बताएं, तो बम मेरे ऊपर गिरा, मुझे अर्जेंट बताया गया कि डॉक्यूमेंट्री बनानी है। डॉक्यूमेंट्री बनानी है? अच्छा, डॉक्यूमेंट्री किस पर बनानी? डॉक्यूमेंट्री 90 इयर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। और ये कब तक बनानी है? कल। आप ज्यादा ले लीजिए, दो दिन ले लीजिए। चलिए, नहीं दो दिन भी नहीं, मतलब अच्छा जहाँ से भी आया, मैं इस समय नहीं पूछूंगा कहाँ से आया, लेकिन क्या ऐसी कृपा हो सकती है कि अगर मान लिए कम से कम 5 से 6 दिन का, हाँ, एक सप्ताह का यदि समय मिले, वो एक्चुअली है ना, एक सप्ताह ठीक है, तो अलग अलग जगह पर जाकर के हम जो हायर अथॉरिटी थे, मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश ही नहीं करी कि कितने दिन मुझे चाहिए, तो कोशिश कीजिए,8 दिन तो हमें चाहिए होंगे क्योंकि इसके लिए डॉक्यूमेंट्री की अगर बात करें, आर्काइव्स जाना पड़ सकता है, हो सकता है कि किसी सोर्स से, जैसे न्यूज़पेपर हुआ या फोटोज हुए, सारे पुरानी न्यूज कलेक्ट करनी होगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तो उसके लिए हमें तो एक वीक की तो जरूरत, तो एक तो काम ही होगा, आपको अपनी इतनी जरूरत तो पड़ेगी। देखिए अभी आपने बोला फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, तो नंबर वन एक तो जाना पड़ेगा, ऐसा लगता है सबसे ऑथेंटिक जो ऑडियो आर्काइवल है वो आकाशवाणी, तो आकाशवाणी जाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, वो भी इमीडिएटली थोड़ी निकाल के दे देंगे, तो थोड़ा समय चाहिए, लिस्ट बना लेंगे मैम इसके लिए, एटलीस्ट 1 से 2 दिन कुछ बुक्स का भी रेफरेंस देना होगा। अच्छा, फिर दिल्ली, ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भी अच्छी है, वहाँ भी जा सकते हैं, तो कम से कम यदि आप रिक्वेस्ट कर लें, ऐसे बन जाएगी, कुछ ना कुछ बोल देंगे तो वो तो बन गए, लेकिन वो बनना नहीं, वो बनना नहीं, अच्छा कार्यक्रम हो, और जबकि आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है दिनों, और फिर उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट इकट्ठे करेंगे उसके आधार पर आप स्क्रिप्ट लिखेंगे जी, हाँ स्क्रिप्ट भी लिखेंगे बिल्कुल जी जी, फिर उसको आप एडजस्ट करेंगे, टाइम फ्रेम में डालेंगे, तो कम से कम आप ये रिक्वेस्ट कर लें हाथ जोड़ करके कि कम से कम हम विमलेश जी भी यही बोल रही थी, मुझको ऐसा लगता है कि इनको जाना पड़ेगा आकाशवाणी, मैं जाऊंगा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, है ना, तो कुछ सूचनाओं को लेकर के आएंगे, तो कम से कम 5 से 6 दिन, तो इज इट पॉसिबल? हाँ इट इज पॉसिबल, अगर ऐसा है तो वी आर रियली रिलीज, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक कमेंट आ रहा है, सेशन रियली इनोवेटिव, गुड गुड, अच्छा लग रहा है, आप लोग के आप लोग की इमोजीज को देख करके हमारा मन भी खुश हो गया, है ना, तो दिस इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि इस समय देखा होगा किस प्रकार से हमने जद्दोजहद की है ना, हम लोगों ने बातचीत की, क्योंकि लाइब्रेरी में कोई जाएगा, दूसरी बात एक काम और भी करना पड़ेगा मैम, एक बात कहूँ, अगर एक दिन और बढ़ा दी, ठीक है, हमने आपके 2 दिन बढ़ाए, अच्छा 2 दिन बढ़ा दिया, नहीं तो आपको ये बता दूं, अगर वो पूछेंगे कि क्यों दिन बढ़वा रहे हो जी, तो उनको ये बोलिएगा क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव है, तो ये तो पूरा स्वतंत्रता संग्राम है, तो उस समय के जो रिलेटेड जो संगीत होंगे, है ना, जो साउंड इफेक्ट्स होंगे, अब कुछ भी म्यूजिक तो यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो फ्रेम बनाना होगा, क्या एस्पेक्ट लेना है, हाँ क्या लेना है, उस समय का संगीत क्या चलता था, उसके स्क्रिप्ट में क्या हमको देना है, किस पर, मतलब ये डॉक्यूमेंट्री फैक्ट्स भी ला दिए तो बिल्कुल, भी बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल, नहीं बन जाएगी, हाँ डॉक्यूमेंट्री आप थोड़ा स्क्रीन में आ जाए तो और अच्छा लगेगा, हाँ, जी ऐसा वाला जी, जी हाँ, तो डॉक्यूमेंट्री के लिए हमें म्यूजिक भी सुटेबल म्यूजिक, उस इराक का म्यूजिक, उस टाइम का म्यूजिक, और उसके साउंड इफेक्ट्स का भी बहुत ध्यान रखना होता है कि हमें अगर गोलियों की आवाज डालनी है तो उस टाइम पे कौन सी बंदूक यूज होती थी, आपका AK-47 तो नहीं थी तब? जी बिल्कुल, right? तो हमें उसके हिसाब से ही अपने साउंड इफेक्ट्स को भी यूज करना है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होना पड़ता है डॉक्यूमेंट्री के लिए, कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, बिल्कुल वो एकदम
राइट हो और हाँ जब ऑडियो में डॉक्यूमेंट अभी जब हम लोग गए थे लद्दाख तो वहां पर देखा कि वहां पर एक आपका सेना का संग्रहालय था और वहां पर यह था पियो और वहां पर यह था कि बहुत सारे जो गन थे मिलिट्री के अलग अलग हथियार जो अलग अलग कालक्रम में है ना उनको क्रोनोलॉजिकली उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। यदि हम जलियांवाला बाग बोलते हैं क्योंकि ये घटना तो आई तो तब स्टेन गन तो यूज नहीं किया होगा उन्होंने उन्होंने यूज किया होगा ऑफकोर्स मतलब आपका 303 तो ये देखना पड़ेगा। तो वो साउंड इफेक्ट भी चाहिए एट द सेम टाइम उस समय कौन सी म्यूजिक होगी क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक भी चलेगी क्योंकि आर्मी बैंड है लेकिन कुछ और भी क्योंकि ये घटना क्योंकि पंजाब में हो रही है तो अब हम गोवा की म्यूजिक या कहीं और की म्यूजिक तो नहीं बजा सकते। उस समय वो त्योहार बैसाखी का चल रहा था तो वो भी चाहिए तो ये सब भी कलेक्शन। फिर दूसरी बात ये कि अगर जैसे मान लीजिए मंगल पांडे के लिए बना रहे हैं उस समय जो वो गोली यूज करते थे वो सिंगल शॉट राइफल यूज करते थे तो वो वाला इफेक्ट है वो ऑडियो में हो सकता है जो पहली बार बना रहे लगे बहुत ही ग्लैमरस नहीं लग रहा क्योंकि ढक से साउंड आ रही है। हाँ, बोलेंगे ये कोई बंदूक ये कोई बंदूक लेकिन वो आपको लेना वही होगा क्योंकि हाँ, ये डॉक्यूमेंट्री क्योंकि उस समय वही यूज हुआ। तो कुल मिला के सारांश ये बनता है कि डॉक्यूमेंट्री इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ये आपको काल्पनिक उड़ान की इजाजत नहीं देता। हाँ जी बड़ा अच्छा लगा जी बोल के हमने बना दिया ऐसा नहीं है ना इसके पीछे बहुत शोध की आवश्यकता पड़ती। तो अभी हम लोग की ये डिपार्टमेंटल टॉक थी है ना हम लोगों ने डिपार्टमेंटली ये बातचीत की तो जब हम बनाते हैं लेकिन हाँ इसके प्रारूप के बारे में इस समय बात करेंगे। यूजुअली जब डॉक्यूमेंट्री बनती है तो प्रेजेंटेशन के दो लोग होते हैं मेल या फीमेल मतलब मेल फीमेल अगर दोनों रखे तो बहुत अच्छा है ना अपोजिट होते हैं तो अच्छा लगेगा। तो हम उनको क्या क्या बोल सकते हैं हमको प्रेजेंटर बोल सकते हैं नरेटर बोल सकते हैं प्रस्तोता बोल सकते हैं हम प्रस्तुतकर्ता बोल सकते हैं वाचक वाचिका बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम आगे चलता है। तो दिस इज कॉल्ड द रेडियो डॉक्यूमेंट्री। तो होप कि ये बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। आगे अब चलते हैं इसी के बाद फॉर्मेट ऑफ द रेडियो प्रोग्राम उसके बाद आगे नेक्स्ट अगली स्लाइड ये सब आप लोग को मिल जाएगा। तो जो हम बातचीत कर रहे हैं ये सामग्री आप लोग के लिए उपलब्ध रहेगी। आगे चलते हैं इस समय एक फॉर्मेट में और चलते हैं। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ इस समय यदि ऑनलाइन हम आ जाए तो अभी हाँ तो अभी हेड से बात करने के बाद ऑडियो प्रोग्राम जो हमने बनाया वो हमने क्या बनाया सर हमने बनाया रेडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई। यस इससे पहले हम बात करें सर हम तो ऑडियो प्रोग्राम बनाते हम तो रेडियो प्रोग्राम बनाते नो देयर इज एन इंटरनेशनल ग्रामर है ना। तो अंतरराष्ट्रीय अगर स्तर पर भी आप जाकर के कहेंगे हम रेडियो प्रोग्राम बनाते हैं तो कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन यदि बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री तो इस बात का वेटेज होता है कि हमको अपनी विधा का पता है जी। तो अब आगे चलते हैं और आगे चलते हैं अगला जो फॉर्मेट है दैट इज कॉल्ड द रेडियो मैगजीन। तो रेडियो मैगजीन के बारे में समय थोड़ी बातचीत करेंगे कि रेडियो मैगजीन क्या है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं वंदना जी से। रेडियो मैगजीन जब हम बात करते हैं तो मैगजीन मतलब पत्रिका कोई तो जो भी हम मैगजीन होते हैं उसके क्या फीचर्स होते हैं। स्लाइड भी जैसा दिख रहा है इस समय देखिए। हाँ तो ये दिखाया एक मैगजीन या एक बुक का हमें वो दिखाया गया है तो पिक्चर दिखाई गई है। तो हम जब रेडियो मैगजीन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है उसमें अभी देखते हैं क्या होता है। देखिएगा इस समय अगर मान लिया स्क्रीन को अगर आप पूरा दे दें तो लोग बहुत अच्छी तरह से देख पाएंगे सर। तो मान लेते हैं कि ये रेडियो मैगजीन है और हम लोग तीनों बैठे हैं है ना। अब हम लोग तीनों तो ये तो स्कूल की पत्रिका बहुत बहुत बढ़िया छपी है ना है ना। इसका कवर कितना सुंदर है। हाँ कितना सुंदर है लेकिन मैं पहले इसको सूंघ के देखूं। बड़ा अच्छा स्मेल है। तो सबसे पहले ये क्या है सबसे ऊपर में इसमें एक सिंबल है एक सिग्नेचर जो बताता है कि किसने प्रिंट किया है और उसका नाम है जिसका उस मैगजीन का जिसने इसको प्रिंट किया है और उसका ये उस इंस्टीट्यूट का ये सिंबल है कि इसने प्रिंट किया है। हाँ तो ये इसका आवरण पृष्ठ हो गया ये सबसे ऊपर का पृष्ठ हो गया। आगे चलते हैं आगे पलटते हैं तो वाह वाह यहाँ पर तो संपादकीय है लेकिन संपादकीय थोड़ा पढ़ के देखूं थोड़ी ये बड़ी बड़ी बात है ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा भारी भरकम शब्द है। तो ओके विद्वानों की बात होगी मतलब हम लोग तो स्कूल के विद्यार्थी है ना शब्द बड़े अच्छे हैं बड़ा अच्छा लिखा है लेकिन ओके आगे चलते हैं ये एडिटोरियल यानी इट इज गुड लेकिन आगे देखते हैं ये इसमें ये आया इंडेक्स आया कि अगला चैप्टर क्या है तो इस समय क्यों ना देख लें कि कौन कौन सा चैप्टर ओके अच्छा पहला चैप्टर ये है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या है ये तो एक बहुत अच्छी कहानी है। अच्छा बहुत अच्छी कहानी तब मुझको लगा अब मुझको समझ में आया मालूम है मुझे लगता है ये मैगजीन बहुत अच्छी होगी कहानी इतनी अच्छी है तो हमें ऐसा मन कर रहा है अगला भी देखें। अरे मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ अगला भी देखें लेकिन खास बात मैं ये बोलना चाहता हूँ यही बात है उस दिन
अभी विमलेश बोले ये तो कहानी है सर, उस दिन चुपचाप से लिख रही थी और जब मैंने पूछा ना कि क्या लिख रहे, नहीं मैं तो खैर यू ही लिख रही, देखो उस दिन नहीं बताया कि स्कूल पत्रिका के लिख रही, देखो अब जबकि छप गया तो कितना अच्छा है ना, तो देखो मतलब वाह क्या शानदार कहानी है, वंडरफुल स्टोरी। तो पेज पलटी तो यहाँ पर हमने देखा कि एक कहानी आ गई है ना, ये कहानी जो छपी है इसमें नीचे इस कहानी के बाद विमलेश का नाम भी है और ये भी है इस कहानी में, तो वही तो कहता हूँ उसने नाम क्यों नहीं बताया, किसने बनाया और के हाँ उसने नहीं बताया, हम लोग दोनों थे ना, हम दोनों थे, उसने नहीं बताया छुपा के, और जैसे ये बोला तो धीरे से नीचे रख लिया तो लेकिन तो हम लोग विमलेश जी को बधाई दे दें, बहुत बहुत बधाई आपका नाम, बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई देते हैं, ये पब्लिश हुई राइट। अब अगले पेज में चलते हैं, हाँ काइंडली मार्क योर, अच्छा वेरी 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 इंटरेस्टिंग गुड, तो आप ही लोग हम लोग का मार्गदर्शन कर रहे हैं, अगर इंटरेस्टिंग चल रहा है तो हम लोग और आगे चलते हैं। तो अगले पेज में क्या है, अगले पेज में अरे ये तो एक कॉमिक है, कॉमिक स्ट्रिप है, वाओ वंडरफुल वंडरफुल, ये तो मुझको बड़ा अच्छा लगता है। और आगे अगर देखते हैं तो यहाँ पर कविता, अच्छा कविता है यहाँ पर राइट, और अगर आगे देखते हैं तो यहाँ पर तो इंटरव्यू है, ओह वेरी गुड। तो हम लोगों ने ये डेमो इसलिए दिया दोस्तों कि आपको ये बता दे जैसे जैसे पन्ना पलटते गए, हाँ, और जैसे जैसे मैगजीन को भी बंद किया, हाँ, तो मैगजीन के बंद होने में भी उसका सिग्नेचर उस पब्लिशर का, हाँ, और उसका नाम सब कुछ एंड के पेज में भी है, हाँ, जो सुंदर सा है, हाँ, तो जैसे जैसे क्या इसको कहें थोड़ा शायराना ढंग से कुछ कहें, जैसे जैसे पन्ने पलटते गए है ना, मजमून बदलता गया है, मतलब जैसे जैसे पलटी तो वैरायटी आती चली जाती। तो मैगजीन के बारे में हम बात करें तो जब हम रेडियो प्रोग्राम की बात करें, व्हाट इज अ रेडियो मैगजीन देन, तो रेडियो मैगजीन क्या है, उसका मतलब कि एक ही कैप्सूल के अंदर, यानी अगर मान लिया आधे घंटे का प्रसारण है तो उसमें मात्र एक प्रकार का कार्यक्रम नहीं होगा, उसमें कई प्रकार के कार्यक्रम होंगे। हल्का सा डेमो इसका देखते हैं, हल्का सा डेमो अगर ऑन स्क्रीन अगर लेके आएंगे तो अच्छा लगेगा, बहुत सारे फॉर्मेट्स को, जैसे ड्रामा हुआ, स्टोरीज हुई, पोएम हुई, सॉन्ग्स हुए, तो बहुत सारे फॉर्मेट्स को एक में क्लब करना, दैट इज अ रेडियो मैगजीन। हाँ, तो इसका एक अच्छा सा एक डेमो दे लें, दे लेते हैं हल्का सा डेमो, तो तैयार है, हाँ, तो अभी ये सब विमलेश जी ने बताया था आई रेडियो, तो अभी हम आई रेडियो के स्टूडियो में ही बैठे, आई रेडियो का स्टूडियो है तो माइक्रोफोन भी है हमारे पास, अभी तो अभी छोड़ी माइक्रोफोन नहीं दिखाते हैं, इसी को मान लेते हैं, ओके माउसे को मान लेते हैं, ओके राइट। तो इस समय जैसे बातचीत करते हैं, तो अब जैसे आज का प्रसारण आरंभ होता है, आप इमेजिन करें कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आपने रेडियो लगाया, अब रेडियो चल रहा है, ओके अब यहाँ से कार्यक्रम शुरू होता है। तो श्रोताओ आज के सबसे पहला कवर पे सीआईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है रेडियो मैगजीन उमंग। रेडियो मैगजीन उमंग में आज आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से आज हम पर ट्रस्ट किया और आपने आज एक बार फिर से हमें ट्यून किया है। तो श्रोताओं बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हूं आपका दोस्त अजीत, नमस्कार, और मैं हूं आपकी दोस्त वंदना, और मैं हूं आपकी दोस्त विमलेश, नमस्कार नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सबों का इस रेडियो आज के प्रसारण को ज्वाइन करने के लिए। आप इस समय ड्राइव कर रहे होंगे, अलग अलग विचार आपके मन के अंदर चल रहे होंगे, लेकिन आज आइए चलते हैं आज के कार्यक्रम के पहले सेगमेंट में। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि ये बाल दिवस का उपलक्ष्य है और जिसमें बच्चों के लिए हमारे हमेशा कार्यक्रम आते हैं, तो आज हम बच्चों के लिए लाए हैं एक खास कार्यक्रम। विमलेश जी आप बताएं ये कौन सा कार्यक्रम है। आज हम सुनेंगे एक बच्चों से जुड़ी हुई कहानी, ये बहुत ही सुंदर कहानी है और ये कहानी है नेहरू जी के बारे में। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कह के बुलाते थे, और पता है स्कूल में भी वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता है बाल दिवस का। जी सर, हाँ, तो इस समय आगे चलते हैं और जैसा इस समय बातचीत हुई कि चाचा नेहरू के बारे में इस समय विमलेश ने बताया, और आपने ये भी सुना कि उनको चाचा नेहरू बोलते थे, साथ में हमने एक प्रेरक प्रसंग भी सुना कि बच्चे उनको चाचा क्यों बोलते थे। लेकिन अब एट द सेम टाइम इस समय रोकिएगा मत, हमको सुनते रहिएगा, एक बात जान लीजिएगा, रेडियो को स्विच ऑफेबल मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विच ऑफेबल मीडियम, यानी कभी भी ऑफ किया जा सकता है। अगर बोर कर रहे हैं हम तो इमिडिएटली हम आपके फिंगर टिप्स पर हैं, आप चाहे बिल्कुल आप हमको गायब कर सकते हैं। मान लिया एक बोर अनाउंसमेंट मैं करता हूँ, आइए सुनते हैं सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा एक कार्यक्रम। तो अच्छा, तो बच्चों सुन लो एक कार्यक्रम बाल दिवस पर। कुछ ऐसा करते हैं, जैसे मान लिया मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, ओके हाँ ठीक है, अनाउंसमेंट कीजिए। अच्छा मैं स्विच ऑफेबल बना रहे हैं, हाँ हम इसको बना रहे हैं, देखिए चलिए सीआईईटी
सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम उमंग। इतनी खराब है गंभीर जी, कार्यक्रम कौन सा चला रहे हैं आज? आज हम सुनेंगे कहानी बाल दिवस न गति है न मति है ना, इतना धीरे धीरे। अच्छा आप ही के अंदर लाइफ नहीं है तो फिर लोगों तक लाइफ कैसे इम्पार्ट करेंगे? तो स्विच ऑफ एबल है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आरवा थोड़ा सा बोलिए, देखिए मैं ऑफ करता हूँ। तो आज का कार्यक्रम सुनाने के लिए हम आपको ले बंद हो गया देखिए, है ना। आज के दिन इस सत्र ने स्वयं साबित कर दिया कि रेडियो क्या था क्या कहने रेडियो ना तो अब अच्छा था ठीक है। मतलब आगे चलते हैं, रेडियो इज स्विच ऑफेबल मीडियम, इसी का पहला हिस्सा। तो अभी बाल दिवस पर हमने सुना, तो श्रोताओं इस समय होल्ड ऑन टू योर ब्रेथ एंड नाउ वी आर गोइंग टू ब्रिंग टू यू अ वंडरफुल प्रोग्राम एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग टू यू अ वंडरफुल रिसाइटल बाय लुडविग वॉन बीथोवन। एंड ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड दैट ही वाज अ ब्रिलियंट म्यूजिशियन एंड ही बिलोंग्स टू जर्मनी एंड ही कंपोज्ड so many recitals and so many even the sonnets. So we are going to play one of his sonnets called Rivers of Danube, a wonderful program. So aiye sunte hain is samay Ludwig von Beethoven ka ye recital. Lekin recital sunte sunte mat soch lijiyega ki hamare paas itna hi hai, hamare store mein bahut kuch hai aapko dene ke liye. Iske turant baad Vandana ji kuch lekar ke aapke liye aayenge aur wo hai ek surprise. Ha wo hai ek surprise. To सरप्राइज को तो अभी हम आपको नहीं बताते हैं, अपने पास ही रखिए, इसी उत्सुकता के साथ सुनिए लुडविग वॉन बीथोवन पर ये कार्यक्रम। तो आइए सुनते हैं और इसके बाद अब जैसे ये समाप्त हुआ, जैसे कि हम ये बताना चाहते हैं, जैसे कि अभी चल रहा है तो आपको हमने रोका है, होल्ड किया है कि आपको स्विच ऑफ ना करें क्योंकि उसके बाद क्या आने वाला है उसकी क्यूरियोसिटी हमने छोड़ दी है, सस्पेंस। तो सस्पेंस का क्रिएट किया है, ऐसा कुछ भी इंटरेस्टिंग छोड़ना पड़ेगा जिससे कि आप आगे चल सके। हाँ सर, हाँ, ताकि आगे सोचे कि अच्छा जब सरप्राइज बोला तो देखते हैं सरप्राइज क्या है ना कुछ तो होगा ना सरप्राइज, इसे हम लोगों ने रोका। और रोकने का तरीका क्या है, होल्ड ऑन टू योर ब्रेथ, है ना, होल्ड ऑन मतलब सांस रोक करके बैठिए, दिल थाम के बैठिए, अलग अलग बोलने के तरीके हैं, है ना। तो इस प्रकार से बोल करके हम बड़े आराम से आगे आगे चल सकते हैं। तो कुल मिला के हमने क्या किया, हमने ना ऑडियो प्रोग्राम बनाया, हमने ऑडियो प्रोग्राम भी बनाया, रेडियो प्रोग्राम भी बनाया, लेकिन फॉर्मेट क्या बनाया, हमने मैगजीन बनाई हमने रेडियो मैगजीन बनाई। ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जब हम ऑडियो मैगजीन बनाते हैं तो उसमें जो उसके अंदर उस अपने कंप्लीट मैगजीन का जो पैकेज है उसमें छोटे छोटे फॉर्मेट है, उसमें स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट आया, उसमें म्यूजिक फॉर्मेट आया है, उसमें छोटा सा इंटरव्यू भी आ सकता है, वो एक फॉर्मेट आया। तो एक क्लबिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट इज मैगजीन फॉर्मेट। हाँ, तो जैसे जैसे पन्ने पलटते गए मजमून बदलता गया, तो एक रेडियो मैगजीन में भी इसी प्रकार से होता है, इसलिए ये डेमो था हमारी टीम की ओर से। तो आगे चलते हैं, एक फॉर्मेट और है, एक दो फॉर्मेट और उसके बाद फिर हम आज के सत्र के अगले हिस्से में चलेंगे जी। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सॉन्ग, मिल जाएगा ड्रामा, मिल जाएगा इंटरव्यू, मिल जाएगा सब कुछ आपको मिल जाएगा। हाँ, स्टोरी टॉक पैनल डिस्कशन एनीथिंग। आगे जी, बोलते बोलते हम लोग खो गए बिल्कुल। तो ऐसा है कि अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मोनिका जी अगर आप ये टाइप कर दें, हम लोग की टाइम कब तक है, मतलब हम लोग तो बोलते चले जाएंगे, है ना। तो अब एक नए और एक फॉर्मेट पर आते हैं। तो फॉर्मेट नंबर वन क्या था डॉक्यूमेंट सर? टाइम का ये है कि 11:15 तक हमारा ये वाला सेशन है। ओके ओके ओके, और इसमें हम कोशिश करेंगे जितना थ्योरेटिकल है और अगर डेमो भी कवर करना चाहें आ जाएगा, और उसके बाद 11:30 से 1 तक है जिसमें आप ऑडेसिटी पे प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। ओके ओके, तो 11:15 ओके फाइन। तो आपने सुना अभी, क्या सुना आपने? हाँ, तो फॉर्मेट नंबर वन क्या था डॉक्यूमेंट्री, फॉर्मेट नंबर टू क्या था रेडियो मैगजीन। अब हम फॉर्मेट नंबर थ्री में आते हैं। अब फॉर्मेट नंबर थ्री है रेडियो फीचर। तो फीचर क्या है, इसके बारे में इस समय बातचीत करेंगे। तो फीचर के बारे में हम लोग को अगर आप इन्हें पूरा स्क्रीन दे दो तो बड़ा अच्छा लगेगा, हम लोग भी ठीक ही दिख रहे हैं। ओके राइट, हाँ, तो फीचर के बारे में, फीचर जब हम बात करते हैं तो हम सबसे ज्यादा हम कहते हैं कि एक उसका फीचरिंग एस्पेक्ट क्या है किसी चीज का, जैसे उसके फीचर्स बड़े अच्छे हैं, हम कहते हैं फीचर्स बड़े अच्छे हैं, मतलब कि उसमें कोई चीज प्रोमिनेंट है, समथिंग इज प्रोमिनेंट जो आपको कैच करती है, जो जिसको हम जो हाइलाइटिंग पॉइंट है, किसी के आंख बहुत सुंदर है तो हम इसकी आंख बड़ी सुंदर है, हाँ, जैसे बोलते हैं फीचर बड़े शार्प है, फीचर ऐसे ही बोलते हैं, तो वो एक हाइलाइटिंग पॉइंट पूरी पर्सनैलिटी में, पूरी एक चीज में एक हाइलाइटिंग पॉइंट जिसको हम फीचर्ड है,
स्पेशली। हाँ, तो इसको हम फीचर बोलते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसी बात को थोड़ा सा देखेंगे कि फीचर का मतलब हुआ अलग अलग फीचर है ना, अलग अलग चीज। जैसे अगर गांधी जी के बारे में बातचीत करें तो ही वॉज ए मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी, ही वॉज ए वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। अगर उनके फीचर के बारे में बात करें तो बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे एक विशेषता ये है कि मैंने कहीं पढ़ा, बड़ा मुझको मजा आया, वहां पर लिखा है कि वो दोनों हाथ से लिखते थे, दाहिना हाथ से लिखते लिखते थक गए तो बाएं हाथ से लिखते थे, और हस्ताक्षर क्या मतलब हैंडराइटिंग में भी फर्क नहीं पड़ता था। तो इट इज वन ऑफ द फीचर्स। और जैसे मान लीजिए गांधी जी का, हमने कहा गांधी जी पे एक प्रोग्राम बनाए, जैसे अभी मैंने कहा था डॉक्यूमेंट्री बना लो, ऐसे हमने कहा गांधी जी पे प्रोग्राम बना लो, गांधी जी पे एक प्रोग्राम बनाया, इतनी जन्म हुआ, इतने ये किया, ये उन्होंने आंदोलन किया और फिनिश, इट इज नॉट फीचर, क्योंकि अपने कुछ फीचर बताया ही नहीं है। हमें अगर रेडियो फीचर की बात करें तो उनका एक कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है, उनकी जो खूबी है वो हमें लेके आनी है। जैसे अभी सर ने बताया कि लेखक के रूप में अगर हम बोले तो गांधी जी लेखक के रूप में वो एक अलग प्रोग्राम हो सकता है। अभी मैम बता रहे थे तो उनका जन्म और उनका जो काल रहा वो अगर हम बात करें तो वो फीचर नहीं होगा। अगर हम उनके पर्टिकुलर एस्पेक्ट जैसे लेखक की बात करें, अगर हम शिक्षक की बात करें कि गांधी जी शिक्षक के रूप में, गांधी जी लेखक के रूप में, तो जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात करें वो रेडियो फीचर है जी। हाँ, इस संदर्भ में मुझको एनसीईआरटी की एक किताब याद आती है, मतलब ये तो ऐसा एग्जाम्पल हो गया है कि इसको तो देना ही पड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये किताब है। इस किताब का नाम है बहुरूप गांधी। बहुरूप गांधी ये किताब है, रिटन बाय अनु बंदोपाध्याय, मुझको याद है। तो गांधी जी के व्यक्तित्व के बहुत सारे अलग अलग पहलुओं पर इस किताब में प्रकाश डाला गया है। अगर अगर वीडियो में आ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ताकि एक एक अच्छे प्रेजेंटेशन की ओर हम इस समय चल रहे हैं। वीडियो यदि ऑन कर दे, आवाज आ रही है तो। हाँ नहीं, अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। तो गांधी जी के बारे में इस समय कुछ बातें आपके सामने लेकर के आएंगे। जैसे गांधी जी उस किताब के अंदर है, गांधी जी एक संत, तो संत तो थे, गांधी जी एक लेखक, तो लेखक भी थे। नीलाम वाला गांधी जी, अच्छा नीलाम वाला गांधी जी, अच्छा सेनापति गांधी जी, अलग अलग गांधी जी के बारे में अलग अलग बातें, उनके व्यक्तित्व का अलग अलग रूप उस किताब के अंदर है। लेकिन जैसे अब नीलाम वाला, ये क्या हुआ? बहुत सारे गुणों के बीच में अगर हम बोलते हैं वो एक संत थे तो वो समझ में आता है, मतलब इसके बारे में इंटरनेट भरा पड़ा है, बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो कि बिल्कुल भरी पड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गांधी जी एक सत्याग्रही तो समझ में आता है। लेकिन नीलाम वाला, अभी वंदना जी ने बोला, ये नीलाम वाला क्या है? तो बहुत सारी खूबियों में से एक खूबी को अगर कोई मुझको ऑप्शन दे दे कि इस किताब को पढ़िए और इसमें से कोई एक फीचर निकालिए, तो मैं नीलाम वाला पर बनाना चाहूंगा, मैं इस पर कार्यक्रम बनाना चाहूंगा। तो अब ये नीलाम वाला क्या है? हाँ, इस समय हम इसको देखते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा मैं नीलाम वाला पर बनाना चाहूंगा, तो जब आप फीचर बना रहे हैं तो उसमें गुरुजी ने वो सेलेक्ट किया जिसके बारे में पता नहीं था, जिसमें कम मिलेगा, तो सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक जो कि फीचर के लिए हो, उसका सिलेक्शन ही ये है कि जो आप देना चाहते हैं कुछ नया, बहुत सारी चीजों में से कुछ नया जो आप देंगे जिसपे आप एक उसको फीचराइज करना चाहते हैं, उसका बताना चाहते हैं। हो सकता है उस पे दो चार प्रोग्राम पहले भी हो, लेकिन आपको न्यू वे में सोचना है, इनोवेटिव होना है आपको, कि आप क्या नया बना सकते हैं गांधी जी पे। हो सकता है शिक्षक के रूप में, लेखक के रूप में बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाए, तो आपको नया सोच के, जैसे नीलाम वाला सर ने बताया, मैम ने बताया, अभी जैसे देखते हैं प्रोग्राम बना सकते हैं, अभी जैसे देखते हैं, इसी के एक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। संत हैं, लेखक हैं, सेनापति हैं, सब कुछ है, ठीक है, सपेरा भी है, वहां पर एक है, लेकिन अब ये नीलाम वाला क्या है? तो आइए समय सुनते हैं, ये आपका नीलाम वाला क्या है, और ये एक फीचर है। आउट ऑफ सो मेनी एट्रीब्यूट्स वी हैव चोजन वन एट्रीब्यूट एंड दैट इज द नीलाम वाला, इन इंग्लिश वी कैन कॉल इट द ऑक्शनियर। ओके, तो साथियों आइए आपको लेकर के चलते हैं इस समय बॉम्बे में, जो आजकल मुंबई कहा जाता है, लेकिन बॉम्बे के एक मैदान में एक बहुत बड़ी सभा चल रही थी, एक जलसा वहां पर था और बहुत भीड़ थी वहां पर साथियों, बहुत भीड़ वहां पर थी, और भीड़ होने का कारण भी यह था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन दिनों राष्ट्रपिता की उपाधि उनको नहीं मिली थी, लेकिन महात्मा गांधी उस समय वहां पर थे, और बहुत भीड़ वहां पर थी, और वो स्वाधीनता संग्राम के लिए लोगों से अपील कर रहे थे कि आप स्वाधीनता संग्राम के लिए लोगों की मदद कीजिए। इतने में क्या हुआ कि जैसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, अभी देखिए हम ड्रामा के हिस्से में आते हैं, इतने में क्या हुआ, तो जैसे एक मिनट के मामले, ये दुस्साहस भी है, लेकिन यानी एक मिनट के मामले मैं इस समय गांधी जी की भूमिका में हूँ, और उसी समय में क्या हुआ, एक बहुत ही अच्छा बोलना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत ही ओल्ड लेडी वहां पर आई। अभी देखिए सीन क्या है।
क्योंकि ये ऑडियो है तो हमें बताना पड़ता है कि ओल्ड लेडी ने एंटर किया। हाँ, ओल्ड लेडी। अच्छा, और यहाँ पे और ये भी बता दें, ओल्ड लेडी ऑडियो में है इसलिए वो जरूरी नहीं कि वो ओल्ड हो, मेरी जैसी वो बिम्बले जैसी भी यंग हो सकती है जो, क्योंकि वो रोल कर रही है ओल्ड लेडी का। तो आइए चलते हैं इस समय ड्रामा में। तो उसी समय में जब गांधी जी बातचीत कर रहे थे तो सभा वहां पर चल रही थी, गांधी जी कह रहे थे, देशवासियों हमें अपने देश की स्वतंत्रता के लिए हमें लड़ना ही होगा, सत्याग्रह ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा कि हम अपने देश की आजादी को हासिल कर सकते हैं, तो आप अपनी सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। उन्होंने जैसे इतना कहा अचानक क्या हुआ कि बहुत लोग वहां पर आने लगे, बड़े बड़े लोग वहां पर दान देने लगे। मेरे 50 रुपए। हाँ हाँ गांधी जी, मेरे तरफ ऑटो मुझे बापू जी से मिलना है। ये लीजिए गांधी जी, मैंने ये लीजिए 10 रुपए मेरे भी हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, रुकिए रुकिए रुकिए, आइए सबसे पहले हम इस समय वृद्धा का सम्मान करें जी। और जब ये सामने, हाँ आपको मुझसे मिलना था, कोई विशेष बात आपको कहनी थी? बापू जी मैं ये नींबू देना चाहती हूँ। नींबू जी, आप लोग को हंसना है, नींबू से क्या होता है? नींबू, अरे अम्मा अम्मा आप बैठे, अम्मा कुछ आप बैठे, मतलब नींबू का क्या होगा, ये कुछ देश के काम आ जाए तो, देश के काम आ जाए, हंसी लो नींबू देश की आजादी के लिए। हजारों लोग यहाँ पर हजारों रुपये दे रहे हैं ना, कितना यहाँ पर कितना कितना पैसा रहे, नींबू का क्या काम होगा। लोगों ने मजाक उड़ाया लेकिन अब गांधी जी का नींबू, वाह, शांत हो जाए। दोस्तों आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने तो अपनी अपने अबंडेंस में, अपनी भरपूरी में दिया है, इन्होंने तो अपनी अपनी घटी और कमी में दिया है, एकमात्र नींबू था इनके पास और इन्होंने ये निवेदन किया अगर ये राष्ट्र के किसी काम आ सकता है तो ये राष्ट्र के काम कैसे आएगा, तो आइए हम इसको नीलाम करते हैं समय। तो ओके, आपका 1001, 2001, 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
20,000 गुड इस नींबू की कीमत 20,000 पहुंच गई है हाँ 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 बोले 20,000 40,000 और कोई है और कोई है 42,000 पार्टिसिपेंट्स ने 50,000 की बोली लगाई हाँ 50,000 की बोली वंडरफुल तो मतलब 50,000 अब कोई बोली नहीं लग रही है तो साथियों अब कुछ ऐसा लगता है कि हम यहीं पर आज इसको ब्लॉक करते हैं और ये नींबू आज बिका बल्कि आगे एक बोली और आ गई 1,00,000 यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और इस समय हम देख सकते हैं इस बात को कि सोचिए लोगों ने हंसी मजाक करना शुरू कर दिया था इस छोटे से नींबू से क्या होगा लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं नीलाम वाला गांधी जी है ना नीलाम और ये देखिए हाँ। ये फीचर जो बना रहे हैं उसका विजन है कि गांधी ये कोई भी चीज देश के काम आ सके नींबू देश के काम आया 50,000 उसने स्ट्रगल के लिए जमा कर लिया तो कोई भी चीज अगर आप सत्य की राह पे चल रहे हैं गांधी जी का मैसेज हमको आपके फीचर के द्वारा मिल जाएगा अगर ये बनेगा जैसे होरो जी बना रहे हैं तो कि आप किसी भी चीज को देश के लिए यूज कर सकते हैं तो ये हुआ फीचर है ना गांधी जी के बहुत सारे गुणों में से एक गुण को हमने उठाया दैट इज कॉल्ड द फीचर अब हम आगे चलते हैं क्योंकि समय भी है नहीं तो हम लोग तो बोलते ही चले जाएंगे 11:15 तक हमको कुछ बातें और कवर करनी है 2-3 बातें और इस समय देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं जी तो जो अगला जो कि फीचर है उसको देखेंगे अभी हमने देखा रेडियो रेडियो फीचर अगला इस समय देखेंगे इसमें फीचर बनाने में एक ये एस्पेक्ट है कि फीचर में भी फैक्ट्स रहते हैं फैक्चुअल होना पड़ेगा फीचर बनाने के लिए वो चीज लेकिन हाँ उसमें क्रिएटिविटी डाल सकते हैं क्योंकि जो ड्रामा क्रिएट किया वो असली में नहीं हुआ है वो उसका वो घटनाक्रम तो घटना तो हुई है वो और वो फैक्ट है कि वो 50,000 में बिका जितने भी 50,000 में वो नींबू बिका था वो फैक्ट है वो हर जगह हमको वो फैक्ट मिल रहा है लेकिन क्या है ये जो डायलॉग हुए हैं ये फैक्ट नहीं है ये सही नहीं है तो फीचर में क्रिएटिविटी और फैक्ट मिलके तब वो फीचर बनता नहीं तो वो डॉक्यूमेंट्री हो जाएगी अगर एग्जैक्ट सेम देंगे तो हाँ तो इसके साथ अभी हम चलते हैं अगले स्लाइड में और जो अगला स्लाइड है अगला स्लाइड एक बार दे दीजिए और ये आज का ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड होगा इसके थोड़ी देर हम बातचीत करेंगे क्रिएटिव राइटिंग के बारे में ये हमारा अगला सेशन होगा तो इस समय इसको देख लेते हैं एक मिनट के ये बहुत अच्छा व्हाट इज
हाउ टू अंडरस्टैंड अ फीचर, यहाँ पर सारी बात यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, सारा डिटेल यहाँ पर है। अगली स्लाइड में हम चलते हैं और अगला स्लाइड यहाँ पर इट टॉक्स अबाउट द रेडियो टॉक। रेडियो टॉक मतलब किसी भी विषय पर हम अपनी वार्ता दे सकते हैं, इसको हम रेडियो वार्ता कहते हैं, रेडियो वार्ता कहते हैं। इसमें दोनों प्रकार से हो सकता है, मैं वंदना जी भी आपस में बातचीत कर सकते हैं, विच इज अ रेडियो टॉक, या तो हो सकता है मैं सीधा ऑडियंस के साथ बातचीत करूं, दैट इज ऑल्सो अ रेडियो टॉक। हाँ ठीक है, आगे कुछ और अगर बोलना चाहते हैं रेडियो टॉक, रेडियो टॉक कह रहे हैं तो रेडियो टॉक का मतलब वो टॉक होना चाहिए, मतलब उसका फॉर्मेट जो आप करें वो ये लगना चाहिए कि बातचीत, जैसे अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं वो हम बातचीत कर रहे हैं, है वो वन साइडेड ही कि हम ही बोल रहे हैं, लेकिन वो बातचीत का अगर आप ऐसे करेंगे 2020 की बात है, तब उनका जन्म हुआ था और तब वो वहां पे गए थे, इट इज नॉट टॉक। तो टॉक के लिए भी हमें रिहर्सल और प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम स्पॉन्टेनियस जाके और स्क्रीन के सामने बैठ गए और हमने ऑडियंस से बात करना शुरू कर दिया, माइक्रोफोन पर कुछ भी ना बोल दीजिए, बाकायदा स्क्रिप्टेड होना चाहिए, स्क्रिप्टेड होना चाहिए, एक रफ स्क्रिप्ट हमें हमेशा तैयार करनी चाहिए और उसकी रिहर्सल बहुत करनी चाहिए, जरूरत होती है, क्योंकि हम ऑन द एयर कुछ भी नहीं बोल सकते, हमें प्रिपरेशन इज मस्ट। हाँ बना करके जरूर रखिए। और रेडियो टॉक ये जैसे किसी एक खास विषय पर हम किसी विशेषज्ञ को बुला सकते हैं जी, जैसे आप शिक्षक हैं, आपने अपने स्कूल में कोई बहुत अच्छा काम किया, आपकी सक्सेस स्टोरी के लिए आपको हम बुला सकते हैं कि इस समय आप एक रेडियो वार्ता दीजिए ताकि और शिक्षकों के साथ भी आप बातचीत कर लें। तो इस प्रकार से अगले सेशन में इस समय चलते हैं। हाँ बातचीत में दोनों तरफ से होना अनिवार्य है, ये बात ठीक है, मतलब दैट इज द कन्वर्सेशन, दैट इज द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन और टॉक में फर्क है ना, तो जवाब शायद आपको मिल गया होगा। आगे देखते हैं इसी के बाद, इसके बाद का एक स्लाइड है, ये लास्ट होगी, इसके बाद हम बहुत जल्दी जल्दी क्योंकि हमारे पास मात्र अभी 15 मिनट हैं, तो इसके बाद हम आगे चलेंगे रेडियो टॉक के बाद, आगे चलते हैं अगला जो कि स्लाइड आएगा, आफ्टर रेडियो टॉक वी कम टू वॉक्स पॉपुली, बहुत ही नया है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। वॉक्स पॉपुली, वॉक्स पॉपुली इसका जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है वॉइस ऑफ द पीपल, मतलब लोगों की बातचीत को हम जाके जो रियल सिचुएशन है, जैसे अगर हम फील्ड में बात करें तो फील्ड में जाके वो उनकी क्या राय है, उनकी क्या सोच है, अगर हम इलेक्शन टाइम की बात करें या महंगाई के मुद्दे की बात करें तो हम अब जो फील्ड में जाके उनकी जो बाइट लेते हैं, उस पर्टिकुलर टर्म को बाइट बोलते हैं जो, तो वो वॉक्स पॉपुली होता है, वॉइस ऑफ द पीपल, वॉइस ऑफ द पीपल, ये आपका फ्रेंच वर्ड है ना, वॉक्स मतलब वॉइस, पॉपुली मतलब पीपल, हाँ ठीक है, तो जो लोगों की जो राय है, जो लोगों की जो वॉइस है उसको जनता तक पहुंचाना, वो वॉक्स पॉपुली। आप अपना कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, मान लीजिए अभी मैं महंगाई का एग्जांपल दे देती हूँ, तो आपने पूरी एक स्क्रिप्टिंग तैयार कर ली, लेकिन आपने उसमें बहुत अच्छा इनपुट क्या हो सकता है कि जो हमारी आम जनता है उनकी आपने अपने बीच में बाइट्स डाल दी कि हमें क्या फर्क पड़ रहा है, गृहिणी को क्या फर्क पड़ रहा है, एक साधारण इंसान को क्या फर्क पड़ रहा है महंगाई से, तब कोई भी हम सिचुएशन ले सकते हैं, तो ये हमारा वॉक्स पॉपुली में काफी एड ऑन कर देता है, उससे हमारा प्रोग्राम इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो ये काफी अच्छा लगता है। और इसको शिक्षा में आप कैसे यूज कर सकते हैं, सपोज आपको जो अभी अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चों की क्या प्रॉब्लम है जी, और वो क्या जानना चाहते हैं, तो वॉक्स पॉपुली में उन बच्चों के पास जाके आप वो रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप इसको वॉक्स चिल्ड्रन बोल सकते हैं, और वो बच्चों की जो बच्चे की पॉपुलेशन है उनसे बात की हुई है और उनसे उनको उनके लिए उनके निदान के लिए किसी को टॉक करने के लिए बुलाया जा सकता है कि आप इसके सवालों के जवाब में बताइए कि ये प्रॉब्लम है, तो ये वॉक्स पॉपुली की क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये अपनी शिक्षा के क्षेत्र में भी आप यूज कर सकते हैं। वॉइस ऑफ द पेरेंट हो सकता है, वॉइस ऑफ द चिल्ड्रन हो सकता है ना, अलग अलग मोबाइल पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, आजकल तो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी हर जगह है, रिकॉर्ड करके आप उसको जमा कर सकते हैं और साथ में अपनी अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन आप वहां पर लगा सकते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे इसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन इट इज द वॉइस ऑफ द पीपल। इलेक्शन का टाइम है या कोई और टाइम है या महंगाई, जैसा कि कहा गया, किसी मुद्दे पर भी जब जनता की राय ली जाए, मर्दमशुमारी कहते हैं हम जब लोगों की राय को जबकि जमा करते हैं, तो बाहर जाके रिकॉर्ड करते हैं, स्टूडियो में आके एडिट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द वॉक्स पॉपुली। लास्ट स्लाइड तो बहुत अच्छी दिखेगी आप लोगों को देख के। हाँ आगे चलते हैं, लास्ट और आगे वॉक्स पॉपुली के बाद, हाँ ये इसका पूरा डिटेल है। अब हम इसके बाद चलेंगे अगली स्लाइड में चलते हैं, और ये इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये सेशन अब बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगली स्लाइड में इस समय हम जाएंगे, अगली स्लाइड में जाएंगे, मैं इसको चेंज करता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ी देर के लिए। वी कैन गो टू डेस्कटॉप, द स्लाइड इज क्रिएटिव राइटिंग,
वहां पर चलते हैं और अब हम जाएंगे एक सृजनशील लेखन की ओर कि सृजनशील लेखन का क्या क्या तरीका हो सकता है, हाउ टू राइट फॉर द रेडियो। जी तो जैसे आपने आप ये सोचते होंगे कि चलिए हम लिख लें, तो कॉपी पेंसिल ली और टेबल पर बैठ गए और लिखने लगे, यहाँ से क्रिएटिव राइटिंग शुरू नहीं होती। अभी सर बताएंगे। तो जब हम क्रिएटिव राइटिंग की बात करते हैं तो चलो आओ मैं क्रिएटिव राइटिंग करूं और चलो अब 2:10 पे बैठेंगे तो फिर शुरू करेंगे, 4 बजे खत्म और 4 बजे खत्म कर देंगे। हाँ तो फिर ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मुझे तो लग रहा है कि अरे सर आपका कमेंट दिखाई नहीं, आपको क्या पता क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा ना। ऑफकोर्स बहुत 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 धन्यवाद अच्छे कमेंट्स के लिए, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हमारा भी उत्साह बढ़ता है और ये सच में ऐसा लग रहा है जैसे वी आर ऑन द लाइव ब्रॉडकास्ट, है ना, लाइव ब्रॉडकास्टिंग में हम लोग चल रहे हैं। तो हार्टी वेलकम। अब हम अगले स्लाइड में आ गए हैं कि बहुत जल्दी जल्दी दौड़ करके जाएंगे, है ना, अब दौड़ना पड़ेगा, अब दौड़ना पड़ेगा, है ना। तो ई कंटेंट क्या है ये आप लोग जानते हैं, तो ई कंटेंट क्या है इसको थोड़ा सा, जो हम कंटेंट एक्चुअली आप टीचर्स हैं तो आपको भी ई कंटेंट जनरेट करना होगा, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, एनिमेशन हो, ग्राफिक्स हो, तो किसी भी वे में आपको ई कंटेंट आपको रेडी करना है बच्चों के लिए। तो ई कंटेंट जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, दैट इज ई कंटेंट, और उसको हम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेव्स ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, वो ई कंटेंट है हमारा। हाँ जी, तो ये ई कंटेंट आप लोग भी जानते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब बहुत ही मैंने बता ही दिया था, भी ऑडियो हो सकता है, इट कैन बी अ वीडियो ऑल्सो, एनिमेशन हो सकता है, सिमुलेशंस हो सकती है, तो ये किसी भी प्रकार का आपका ई कंटेंट हो सकता है। और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम माइंड मैप भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, जो कि सामने दिख रहा है वो आप लोग के साथ ये जो स्लाइड है शेयर हो जाएगी, तो आप लोग को इसकी चिंता नहीं करनी, आप लोग को मिल जाएगा। अगले स्लाइड में चलते हैं। जी सो अब इस सेशन में फिर से आप सबों का, तो श्रोताओं बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले के फॉर्मेट्स ऑफ द रेडियो प्रोग्राम के प्रसारण में आपने भाग लिया, आपकी प्रतिभागिता देख करके हमारा मनोबल बहुत बढ़ा और एक बार फिर से एक नया कार्यक्रम लेकर के हम आए हैं इस समय आपकी खिदमत में। और आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को आज हम कहेंगे सृजनशील लेखन। तो इस कार्यक्रम में मैं अजीत आप सबों का स्वागत करता हूं, और मैं वंदना आपका फिर से स्वागत करती हूं, और मैं विमलेश आप सबका स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आइए चलते हैं आज के कार्यक्रम में आगे। तो आज हम बातचीत कर रहे हैं अबाउट द क्रिएटिव राइटिंग। स्लाइड में चलेंगे तो क्या क्या हम एक्सपेक्ट करें आज के सेशन में। तो नंबर वन, व्हाट इज अ क्रिएटिव राइटिंग दैट वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्रोग्राम, और एक यानी सृजनशील लेखन के लिए किस प्रकार से हमको आगे चलना चाहिए। हम आज हम बातचीत ये भी करेंगे कि रेडियो या ऑडियो के लिए जब हम कार्यक्रम बनाते हैं तो कम से कम साधनों के अंदर हम किस प्रकार से कार्यक्रम बना सकते हैं। जी आगे, हाँ यहाँ के बारे में अब हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। आप इस समय यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, विमलेश आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? सर आई कैन सी अ पेंसिल दैट इज कनेक्टेड विद अ इलेक्ट्रिक बल्ब। अच्छा ओके यस, तो सर बस मैं तो इतना ही देख पा रही हूँ। तो इसको देख के आपको क्या लगता है वंदना जी? मैं ये देख रही हूँ कि जैसे ही कुछ राइटिंग हमने करी और उससे एक प्रकाश हुआ, वंडरफुल वंडरफुल बिल्कुल, हमने कुछ लिखा और वो आलोकित कर रहा है, उससे कुछ प्रकाश निकल रहा है। तो यहाँ पर एक पेंसिल को या एक कलम को या आजकल के हिसाब से मोबाइल के कीपैड को, है ना, हम मान सकते हैं कि वो प्रकाश फैलाने का एक माध्यम हो सकता है, विद्या देने का एक माध्यम हो सकता है ना। तो और आपको यहाँ पर क्या दिखता है अगर हम अगले स्लाइड में चलते हैं, इस समय चलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमने यानी क्रिएटिवली लिखा है तो उसका सबसे पहला लक्षण होगा जी, है ना, बुखार का भी लक्षण होता है, बीमारियों का भी लक्षण होता है, तो एक अच्छे लेखन का भी लक्षण तो होना चाहिए, लक्षण कह लीजिए, है ना जी। आगे पढ़ते हैं, देखिए हाँ उसका लक्षण यही है कि मैं बहुत अच्छा लिखूं तो मैं लिखता जा रहा हूं और मेरा जो जो उसमें से निकल कर आ रहा है वो बहुत ही लिमिटेड है, तो वो एक बहुत अच्छी ऑडियो मतलब रेडियो राइटिंग नहीं। आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो राइटिंग हो सकती है, आप लिखकर अपने लिए रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बात ऑडियो प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्रिएटिव राइटिंग नहीं है कि आपने बहुत कुछ लिख दिया लेकिन उसमें से निकल के बहुत कम आ रहा है। हाँ निकल के, जैसे बहुत बार यानी किताब लिखी जा सकती है, जैसे मैं कोई किताब लिखूं खुद पढ़ने के लिए, है ना, ऐसा भी हो सकता है अपने पढ़ने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बात को हम देखते हैं, देयर इज अ फ्लो इन द लैंग्वेज, हिंदी में कहेंगे भाषा की प्रांजलता, है ना, यानी उसका एक प्रवाह होता है, रुक रुक करके नहीं आएगा, अभी तक तो बड़ा मजा है फिर मालूम नहीं क्या हो गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल वो एकदम अनब्रेकेबल होता है, तो दैट इज कॉल्ड द क्रिएटिव राइटिंग। आगे चलते हैं और यहाँ पर इसके 4 आयाम हमको दिखाई पड़ते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि
हमें हमें क्या रुचि, हम किसमें इंटरेस्ट है, हमारा क्या मतलब क्या कहते हैं जिसमें हमारे एज है, और दूसरा ये कि हम किसके लिए बना रहे हैं, उसकी भी क्या रुचि है, मतलब हम अपनी रुचि के लिए बना रहे हैं सुनने के लिए, हमारा जिस जो हमारा टारगेट ऑडियंस है उसको वो रुचि नहीं है या वो उसका कोई वो हमें उसके लिए बनाना नहीं है। हाँ, तो फिर घर में पूछते हैं ना कि आज ये क्या बनेगा, सबको क्या अच्छा लगे, ऐसा होता है ना। जी, तो इंटरेस्ट दोनों साइड, इंटरेस्ट यानी रुचि तो बेसिक सबसे पहला पॉइंट है। उनका इंटरेस्ट क्या है और जो बच्चे हैं उनको क्या नीड है, उनका क्या इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को हो सकता है कि वो जिस टॉपिक पे आप पर्टिकुलर टॉपिक पे आप पढ़ाने वाले हैं या कुछ कंटेंट बनाने वाले हैं ऑलरेडी वो जानते हो, तो दोनों का इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सप्लोरेशन। अब आप छानबीन करेंगे कि उस बच्चे को कितनी नॉलेज है उस पर्टिकुलर, अगर टॉपिक भी सेम हो जाए तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उसको कितनी नॉलेज है, और आपको उस लेवल पर टारगेट जो ऑडियंस है उस लेवल पर आपको कितना उसको देना है। अब मान लीजिए कि प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हैं तो उसके लेवल तक आपको मतलब कितने बस कितना सुटेबल है उसके नॉलेज के लिए उतना ही आपको एक्सप्लोर करके उसको देना है। उसके बाद का जो स्टेज आता है वो है आपका नवाचार। तो नवाचार आप लोग सब जानते हैं, पर इसको अगर हम अच्छी तरह इस प्रकार परिभाषित करें तो हम ऐसा करेंगे, मिलजुल करके करते हैं हम लोग, और हम लोग ऐसा करते हैं, वो लिखिए जो किसी ने ना लिखा हो, हाँ वो सोचिए जो किसी ने ना सोचा हो, हाँ बिल्कुल, तो दैट इज नवाचार है ना। ने तो नई बात क्या है, इंटरनेट में सब कुछ मिलता है, वो सोचिए जो कि किसी ने नहीं सोचा, वो लिखिए जो किसी ने नहीं लिखा। तो जब ये तीन सीढ़ियां आप इन्हें क्रॉस करते हैं तो आप एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग। तो अभी क्रिएटिव राइटिंग जो वो पेन से या अपने कीबोर्ड से लिख रहे हैं वो फोर्थ स्टेज है, वो पहली स्टेज नहीं है। आप तीन स्टेज मेंटली पार कर चुके हैं, उसके बाद आप वहाँ पहुंचे, उसके बाद वहाँ पहुंचे हैं। तो लिखने के लिए लिखने बैठने से शुरू नहीं होता, वो आपके माइंड में चल रहा है, मैं इस टॉपिक पे लिखूंगा, इन बच्चों के लिए लिखूंगा, ये जो ये सारी चीजें पहले आप कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, चिंता नहीं कीजिए, बिल्कुल हम ठीक 5 मिनट के अंदर समाप्त कर देंगे। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है सेशन, आप लोग कमेंट भी भेज सकते हैं, और यहाँ पर इसको आप नोट जरूर कर लीजिए, राइटिंग फॉर रेडियो इज राइटिंग फॉर द ईयर। Yes. मतलब रेडियो के जब हम लिखते हैं तो हम कान के लिए लिखते हैं, आंखों के लिए नहीं लिखते, नहीं लिखते। जब हम टेलीविजन के लिखते हैं तो आंखों और कानों दोनों के लिए लिखते हैं, लिखते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आंख को ध्यान में रख के लिखते हैं कि क्या फ्रेम बनेगा उसके हिसाब से लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, तो उसके हिसाब से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कानों के लिए लिखते हैं। दूसरी अगर दूसरे ढंग से देखें, रेडियो कार्यक्रम को यदि आप आंख बंद करके सुनेंगे ना, यदि अच्छा कार्यक्रम है, ध्वनि प्रवाह है, अगर मैंने प्रवाह बोल दिया, ध्वनि प्रभाव अगर है, ये दोनों बहुत अच्छी प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम और नेशनल लेवल पर बिल्कुल निष्णात हैं ये लोग कार्यक्रम बनाने के अंदर। तो जब इनके कार्यक्रमों को आप सुनेंगे, सच में आपको लगेगा बिल्कुल सीन आपके सामने आ गया है ना। तो बेसिकली हम कानों से, लोग आंखों से दिखाते हैं, हम तो कानों से दिखाते हैं, हम कानों से दिखाते हैं, ब्रेन पिक्चर हम लोग क्रिएट करते हैं। हाँ, ब्रेन पिक्चर हम लोग क्रिएट करते हैं। ये रेडियो की स्ट्रेंथ है कि आप आंख बंद करके अपने अपनी पसंद की इमेज बनाएं उस चीज के लिए जो ऑडियो आपके पास है। हाँ, तो राइटिंग फॉर रेडियो इज राइटिंग फॉर द ईयर, यानी कानों के लिए हम लिखते हैं। अब हम आते हैं आज के खास मुद्दे पर, अगला स्लाइड यहाँ पर देखेंगे कि इसको बल्कि ले ही लेते हैं, बहुत अच्छा है ना इसको तो। और जैसे आज मैंने हेड से रिक्वेस्ट किया था तो 8 दिन का मुझको 8 दिन की मोहलत मिल गई थी, तो इस समय जो हेड हैं, जो होस्ट हैं, रिक्वेस्ट करेंगे कि 3-4 मिनट और बढ़ा दीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। इस समय देखते हैं कि जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है वो क्या है। मैं इंफॉर्मेटिव एक्सप्रेशन बोलती हूँ, हाँ। उसको आप क्रिएटिव करें, क्योंकि मैं हेड हूँ, मैं एकदम रॉ और बोर सा लेके आऊंगी। अच्छा, आप ऐसा लेकर के आएंगे, और जो उसका क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, हाँ। तो इंफॉर्मेटिव मतलब क्या हुआ, जो सूचना है वो तो सूचना है, हाँ। है ना, और लेकिन उसी को क्रिएटिवली कैसे बोले, रेडियो में बोलते हैं तो कैसे बोले, है ना। तो ठीक है, आप इस समय पढ़ेंगे। तो बच्चों को लेके समुद्र के किनारे जाना है, वहां पे पानी है, बोट है, तो उसमें बच्चों को करके आपको प्रोग्राम मतलब इस पे एक कविता सी वो लिखनी की तो ये है, तो लाइफ इज वेरी बिजी एंड वी हैवंट टाइम, इसको आपको इस वाली लाइन को आपको क्रिएटिवली लिखना है, बोलना है। अच्छा मैम, ठीक है मैम, मैं इसको ट्राई करता हूँ। क्या बोला आपने, लाइफ इज वेरी बिजी एंड वी हैवंट टाइम। हाँ, कितना बोर ना, लाइफ इज वेरी बिजी बट वी हैवंट टाइम, ये तो कोई भी जानता है, कौन सा आप अंतिम सत्य लेके आ रहे हैं। इसी को अगर नए ढंग से बोले तो क्या बोलेंगे, देखिएगा, व्हाट इज लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम इवन टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो ताली तो बजती है, ताली तो बजाइए आप लोग, राइट राइट राइट, हम भी अपने लिए बजा रहे हैं। तो एक तरफ देखेंगे इंफॉर्मेटिव राइटिंग और एक तरफ देखते हैं क्रिएटिव राइटिंग। लाइन नंबर 2 इस समय चलते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, एकदम ऐसा लगा जैसे कि क्या, हाँ ऑफिशियल, हाँ लठ मार दिया, थैंक यू फॉर कमिंग, ये तो किसी को ही बोलते हैं। रास्ते में चलते चलते मिल गए, हाथ मिला गया,
हाथ मिला तो पूछते हैं क्या हाल है, एक्चुअली वो सीरियस नहीं है हाल को जानने में, हाथ पकड़ के हाल बताने लगो तो भागता नजर आए, है ना। लेकिन और एक बार बोलेंगे थैंक यू फॉर कमिंग, जी थैंक यू फॉर कमिंग, हाँ। लेकिन अगर इसको क्रिएटिवली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर विजिट, ओह वंडरफुल थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, यानी आकर के आपने हमको कॉम्प्लीमेंट दे दिया, है ना, कॉम्प्लीमेंट बड़ी खूबसूरती के साथ आपने बोला। आगे चलते हैं और एक बार इंफॉर्मेटिव चलते हैं, ये बिल्कुल एक ज्योग्राफी की भाषा है। जी forest was beautiful and I wanted to stay here but had some work so I could not stay there, ha jungle bada sundar tha main chahta tha thodi der ruku lekin kuch kaam tha to main wahan par nahi ruka, hai na, isi baat ko yadi creatively bole to kya bolenge, woods are lovely dark and deep but I have promises to keep and miles to go before I sleep, जंगल बहुत सुंदर था लेकिन वो वादे जो मैंने लोगों से किए हैं मुझको याद आ जाते हैं, तो मुझको बहुत लंबा चलना है अभी सोने से पहले, तो मैं इस समय चाहता हूं कि और आगे बढ़ूं क्योंकि जिंदगी अगर कहें तो एक सफर है। तो और एक इंफॉर्मेटिव राइटिंग को देखेंगे। जी हाँ, इन क्वारल्स ट्राई टू कीप क्वाइट, हाँ बच्चों जब झगड़ा होता है तो कोशिश करो कि क्या करो, चुप रहो, हाँ चुप रहो, है ना ऐसा। तो और एक बार पढ़ते हैं, इन क्वारल ट्राई टू कीप क्वाइट, ज्ञान देता है ना, मतलब उपदेश वाली भाषा है, चुप रहो। लेकिन अगर इसी को दूसरे ढंग से बोले, खूबसूरती से बोले तो क्या बोलेंगे, यू मस्ट नो टू स्पीक साइलेंस, है ना, खामोशी को भी हम बोल सकते हैं, यू मस्ट नो टू स्पीक साइलेंस व्हाइल क्वारलिंग, तो अच्छा है, अच्छा है। अब आगे लास्ट का पढ़ते हैं इस समय, हाँ, राइटिंग फॉर रेडियो इज अ स्किल, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, सूचना बहुत अच्छी है, सूचना अच्छी है, लेकिन इसी को अगर अच्छे ढंग से बोला जाए तो विमलेश आप कैसे बोलिए, writing for radio is writing visually for the ears, writing for radio is writing visually for the ears, है ना, मतलब हम कानों के लिए ऐसा लिखते हैं कि लोग के कान जो है वो आंख बन जाती है, लोग आंख से कानों से देखते हैं, लोग कानों से देखने लगते हैं, राइट। तो अब हम अंतिम स्लाइड में चलते हैं, बिल्कुल समय, हाँ है 3-4 मिनट तो रिक्वेस्ट यही है, ओनोमेटोपोया भी है लेकिन इसको आप लोग को ये बाद में मिल जाएगा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, जी हाँ, और आगे एक और सॉरी, हाँ डूज एंड डोंट्स, जी आगे लास्ट आगे, राइट। अब यहाँ पर हम लोग बातचीत करते हैं, वंदना जी से आरंभ करेंगे आज की बातचीत की, और 6 मुख्य बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए कि रेडियो के जब हम लिखें तो हमें कैसे करना चाहिए। जी सबसे मेन बात ये कि भाषा जो है ना एकदम से सिंपल होनी चाहिए, यानी कि मुझे बहुत ज्ञान हो सकता है, मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो सकती है, तो मैं चाहती हूँ सारा मैं सुना दूं, देखो कितनी नए नॉलेज मेरे अंदर है, शब्द वमन हाँ, शब्दों की उल्टी करना, तो वो क्रिएटिंग वो अच्छी राइटिंग वो नहीं है, जो रेडियो प्रोग्राम में वो रिक्वायर्ड, वो मतलब एक बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाएगी कि आप बहुत बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जो किसी के जो रिसीवर्स हैं, जो इयर्स हैं, वो तो उसको ग्रास्प ही नहीं कर रहे हैं, वो लग रहा है बंद करो उसको, ना फुल स्टॉप है ना कॉमा है। तो जितनी आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में, जो स्पोकन लैंग्वेज में बात करेंगे, उतना वो उसके लिए अच्छा है। और मतलब यही है कि हम जैसे हम FM में देखते हैं उस स्टाइल से हम बात करते हैं तो वो एक अच्छा है, लेकिन हाँ आप क्योंकि शिक्षक हैं, एक ध्यान रखना पड़ेगा कि शब्दों की गरिमा, और वो उस बात का हमेशा ध्यान रखें, आपके बोलचाल की भाषा में भी, जैसे इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं तो शब्दों की गरिमा को बनाए रखें। तो इस समय एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अभी एक हम लोग दोनों ने एक साथ कहा शब्द वमन, है ना, तो शब्द वमन किसको कहेंगे इस समय देखेंगे, अगर हम लोग को इस समय दे दें, राइट। तो इस समय आपको एक उदाहरण हम देते हैं, बड़ा अच्छा ये उदाहरण है इस समय, हाँ राइट आ जाते हैं फिर में, राइट। अफ्रीका में हमने वहां पर लिखा हुआ है रेफरेंस के लिए, क्या लिखा है, मंकी लिखा हुआ है ना, ताकि हम लोग को, आप सबों का बहुत बहुत आभार, गुड। हाँ तो लास्ट एग्जांपल इस समय चल रहा है, क्या एक वर्ड हमने बोला था, शब्द वमन, है ना, शब्दों की उल्टी करना, कि हम इतना गरिष्ठ खा चुके हैं इतने गरिष्ठ शब्दों को कि अब तो कह करना छोड़ के और कोई विकल्प नहीं, हालत ये, तो इसमें हमको कोई नहीं सुनेगा। अफ्रीका में बंदर को पकड़ने का एक तरीका है, वहां पर कैसे पकड़ते हैं थोड़ा सा देखिएगा, और वहां पर ऐसे पकड़ते हैं कि वो नारियल का एक खोल लेते हैं ना, नारियल का खोल दिखे तो बहुत अच्छा है, राइट। हाँ नारियल का खोल होता है, और अच्छा ठीक है बोलते चले जाते हैं, ऑडियो कार्यक्रम है, तो नारियल का खोल होता है, छेद इतना ही छोटा होता है कि मात्र उसमें हाथ अंदर जा सके, है ना, मात्र हाथ अंदर जा सके, और विमलेश जी उसमें नारियल के अंदर क्या होता है, नारियल चने रख दिए जाते हैं, हाँ वहां पर कुछ
आपका चने वहां पर रख दिए जाते हैं। बंदर जानता है कि वहां पर चने, अब बंदर आता है ना, बंदर आता है, आने के बाद क्या कहता है, छेद कितना बड़ा है, छेद इतना छोटा है कि बस हाथ अंदर जा सके, बस खाली हाथ अंदर जा सके, लेकिन हाथ बाहर नहीं ना आ सके, है ना, ऐसा है, ऐसा है बिल्कुल। तो अब अंदर में चने है, बंदर देखता है ऊपर से, है ना, वाह वाह अच्छा चने जाना चाहिए, जा करके नारियल के खोल में हाथ डालता है, अब चना उसने लिया मुट्ठी में पकड़, है ना, अब वो हो करके आने लगते है ना, आ गया बंदर को पकड़ो, बंदर को पकड़ो, है ना, लोग वहां पर आने लगते हैं। अब बंदर भागना चाहता है, बिल्कुल भागना चाहता है, लेकिन होता क्या है, होता वहां पर ये, प्लीज एलोबरेट अ बिट अबाउट द पॉडकास्ट दैट वी विल डू लेटर ऑन, हल्का सा बोलेंगे यार, लेकिन पहले ये वाला सुन लीजिए। तो कहां पर था मैं, हाँ हाँ, कि हाथ अब अंदर है, है ना, हाथ अब अंदर है, आप लोग हल्ला कीजिए, जैसे मान लिया मैंने मैंने चना पकड़ लिया, हो हो, अरे पकड़ो पकड़ो, मैं यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या है, क्योंकि चने का लालच है ना, मैं चने को छोना नहीं चाहता, इसे मैं मुट्ठी खोलना नहीं चाहता, जान बचाने के बंदर को इतना करना था, क्या करना था, सिर्फ मुट्ठी छोड़नी थी, सिर्फ मुट्ठी खोलनी थी और हाथ निकाल के भाग जाना था, लेकिन उसने नहीं किया, यार चने को पकड़ लिया तो छोड़ूंगा नहीं, लालच ऐसा, तो ऐसे ऐसे भारी भारी शब्द है जी, इसको नहीं बोलूंगा तो कैसे पता चलेगा कि इतना बड़ा मैं ज्ञानी हूं, है ना, तो इस लालच में कई बार हम मारे जाते हैं क्योंकि आपको ये लगता है इंटेंशन हो सकता है अच्छी हो कि मेरे को इतना ज्ञान है मैं बच्चे में खारा डाल दूंगा, हाँ, आज ही डालूंगा, पता नहीं कल प्रोग्राम में, एक ही प्रोग्राम में सब डाल दूंगा, एक ही प्रोग्राम में मैं आपके सिर तक घुसू, ऐसा नहीं, आप यू गो टू देम, आप उनको अपने इतने ऊपर मत लाएं, गागर में सागर भी नहीं, गागर में सातों महासागर, इतने तक घुस देंगे तो कहां से हो जाएगा, तो शब्दों को बहुत नाप तोल के संतुलित बोलना चाहिए, छोटे सेंटेंसेस हो, और वो बच्चों को आपसे डर ना हो, आपसे प्यार हो, वो आपकी बात सुनना चाहे, ना कि ये कि भैया इनसे डर लगता है, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, तो भागो, तो वो आप ट्रस्ट भी बिल्ड करेंगे अगर आप अपनी भाषा में बात करेंगे। तो बंदर वाला लालच छोड़ दें, है ना, ये लालच हमको भी कभी था कि कुछ ऐसा लिखे, मैं अपना अनुभव सोचता हूँ, एकदम भारी भरकम शब्द बोल दिया और लोगों के पास जाके देख रहे हैं कि कुछ तो कमेंट करे, कुछ कमेंट ही ना आया, है ना, क्योंकि उनको समझ भी नहीं आया, हाँ, उनको समझ भी नहीं है, तो ऐसा लिखे, अच्छा किसी और ने समझे नहीं तो हमारे लिखने का क्या मतलब, स्वांत सुखाया थोड़ी आप उसको लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो अब श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम को समाप्त करने का समय तो CIET के इस कार्यक्रम उमंग में आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद सम्मिलित होने के लिए। तो अब कार्यक्रम समाप्त होता है, तो वंदना को और विमलेश को और मुझे अजीत को, जो हम आपके मित्र हैं, हम सबों को आगे दीजिए, नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सेशन सुनते रहने का मन करता है, ऐसा लगता है कि आप रुके नहीं और हम सुनते रहे, और हमारे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो देखकर लगता है कि इतना इनोवेटिव सेशन था, इतना सुंदर सेशन था, और आवाज आपकी इतनी अच्छी है कि सेशन को खत्म करने का मन ही नहीं करता है, लेकिन हाँ समय की अपनी पाबंदियां हैं, हमें अगला सेशन भी करना है, हैंड्स ऑन भी है हमारा, तो सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अटेंडेंस के लिए लिंक शेयर कर दिया गया है, काइंडली अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, हम उसको 10 मिनट में बंद कर देंगे अभी, और हमारे साथ हैंड्स ऑन सेशन होगा सर का, जिसमें हम ऑडिसिटी टूल के बारे में और जानकारी लेंगे, और उसके लिए हमारे साथ अजीत सर फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे, हम सिर्फ 15 मिनट के लिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टिसिपेंट सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं और सर भी कंटिन्यूअसली हमारे साथ पिछले 1.5 घंटे से हैं, तो उनको भी एक छोटा सा ब्रेक चाहिए, तो हम अभी 11:35 पे दोबारा रिज्यूम करेंगे सेशन, तब तक के लिए सर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं टी के लिए, और पार्टिसिपेंट्स वर्चुअली टी के लिए ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर फॉर द सेशन, थैंक यू मोनिका मैम, थैंक यू आलोक, अजीत सर फर्स्ट फ्लोर पे चाय की व्यवस्था है, कृपया आप सभी वहां पधारे, आते थैंक यू एवरीबडी, प्लीज ज्वाइन बैक एट 11:35, थैंक यू सो मच।